दोस्तों, ये रियल अष्टावक्र गीता बुक है। सीता के पिताजी राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था। जैसे महाभारत में भगवद गीता है, उसी तरह वाल्मीकि रामायण में अष्टावक्र गीता है। भगवद गीता को समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन अष्टावक्र गीता सिर्फ सुनने से ही, ऐसा ज्ञानियों को कथन है कि सिर्फ सुनने से ही आपका काम थोड़ा सा भी होने लगता है। तो पिछले वीडियो पे हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, आज चैप्टर 2 शुरू करते हैं। और भावार्थ जो लिखा हुआ है वही अष्टावक्र और जनक की बातचीत है। विवेचना जो है वो, इसको जिसने संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट किया है उसने अपना विवेचना लिखा है। तो वो क्या सोचते हैं वो हमने वो भी पढ़ लेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। तो राजा जनक कहते हैं, ये कितने आश्चर्य का विषय है कि मैं निर्दोष हूँ, निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ और प्रकृति से अलग हूँ, किंतु कैसे विडंबना है कि मैं इतने समय तक मोहग्रस्त रहा। यानी मैं, यानी कि आत्मा, अष्टावक्र ने कहा तू आत्मा है, तू अपने आप को शरीर मत मान, ठीक है। तो ये इसके बाद जो मैं और मेरा शुरू हुआ है वो आत्मा के बारे में कह रहे हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था कि मैं सबके अंदर हूँ, तो वो आत्मा के बारे में कह रहे हैं। शरीर सबके अंदर तो नहीं हो सकता ना आत्मा। इसीलिए अष्टावक्र गीता को सबसे सटीक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि भगवद गीता द्वापर युग के लोगों का है, तो द्वापर युग के लोगों के मुकाबले त्रेता युग के लोग ज़्यादा ज्ञानी थे, ऐसा मतलब ज्ञानियों का कथन है। और त्रेता सतयुग के लोग की तरह भी त्रेता युग थोड़ा सा थे। विवेचना, जो मानव राजा जनक की भांति इस सत्य से परिचित हो जाता है कि वो आत्मा वत दोष रहित शांत बोध व प्रकृति से परे है, तो उसकी मुक्ति निश्चित है और उसके ज्ञान की आंखें खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। चक्षु का मतलब आँख होता है। ज्ञान चक्षु खुलना निसंदेह सहज है, किंतु मानव ने इसे अत्यंत जटिल और असहज मान लिया है। निष्ठा और आस्था के बिना कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। सत्य से वही परिचित हो सकता है जिसमें सत्य को जानने की प्रबल आकांक्षा हो। आज मानव सत्य जानने को नहीं, भौतिक सुख साधनों की उपलब्धि में ही व्यस्त है। ऐसा मानव सत्य और ज्ञान के मार्ग पर कैसे चल सकता है। राजा जनक के हृदय में सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की चरम उत्कंठा थी। दोस्तों, तामस का मतलब होता है असुर, राजस का मतलब होता है इंसान और सत्व का मतलब होता है परमात्मा, ठीक है। तो अर्जुन तामस में गिर गया था, कृष्ण ने उसे राजस में बिठा दिया। राजा जनक जो कि राजस में ही थे, अष्टावक्र ने उसे सत्व में बिठा दिया। तो यही दोनों गीता में फ़र्क है। तभी तो उन्होंने अष्टावक्र के उपदेशों को आस्था और निष्ठा से सुना, ग्रहण किया और उनके एक एक शब्द को हृदय पटल पर अंकित कर लिया, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुना राजा जनक ने। ऐसी स्थिति में ये निश्चित है कि उनका मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी अब तक की जीवन शैली निरर्थक थी। वो देह को सब कुछ मान बैठे थे, यानी शरीर को सब कुछ जानते थे। देह की लिप्साओं और वासनाओं की पूर्ति में उनकी समस्त क्रियाएं सीमित हो गई थी। कितना भ्रम पाल रखा था उन्होंने मन में, कैसा अंधकारमय था उनका मस्तिष्क। क्षणभंगुरता को ही अचक्षुण्णता मान लिया, नश्वर को ही शाश्वत समझने की भयंकर भूल कर बैठे थे। राजा जनक ज्ञान प्राप्ति के बाद चकित थे कि वो देह को ही सब कुछ कैसे मान बैठे, वो कैसे भूल गए कि देह नाशवान है। सारा जीवन अहंकार और दम्भ में जीकर मोह माया में ही फंसे रहे। एक आकांक्षा की पूर्ति होते ही दूसरी आकांक्षा सिर उठाती रही। तृष्णाओं और कामनाओं की आंधी दौड़ में ही जीवन की सार्थकता को नष्ट कर दिया।
अष्टावक्र के उपदेशों का श्रवण करते हुए उन्हें एक सत्य की अनुभूति हुई कि वे अब तक मृग तृष्णा में उलझे हुए थे, यानी इल्यूजन में उलझे हुए थे। वो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु का समूह मात्र है। तो दोस्तों, अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही निराकार है, विराट है। और कृष्ण ने भी अपने आत्मा का विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवाया था हिप्नोटाइज करके, यानी प्राचीन भाषा में उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है हिप्नोटाइज को। जलवायु का समूह मात्र है, उनसे निर्मित उनकी यह काया ही सत्य है जो मनुष्य के पश्चात पंच तत्वों में मिलकर समाप्त हो जाएगी और आत्मा का पलायन हो जाएगा, ऐसा उसका सोच था। जबकि सत्य यह है कि आत्मा का कदापि पलायन नहीं होता। मैं ही आत्मा हूँ, मैं अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु से निर्मित काया नहीं, पंच तत्वों का चैतन्य रूप उनका साक्षी हूँ। जैसे आत्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ का साक्षी बनता है, वो साक्षी खुद को मान लेना ही ज्ञान है, यही आत्मा का फीलिंग है। यह भ्रम है कि मैं साकार हूँ और सत्य के पश्चात निराकार हो जाऊँगा। मैं सतत निराकार हूँ, बोध हूँ, दिष्टा हूँ, आत्मा हूँ। इसी सत्य पर अडिग रहकर सदैव निराकार रहूँगा, पुनः कभी देह धारण नहीं करूँगा। आज मेरा ज्ञान दूर हुआ। राजा जनक अष्टावक्र के उपदेशों का मर्म समझते ही आह्लादित हो जाते हैं। ज्ञान की अनुभूति होते ही वो समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। उनका अहंकार और अभिमान कपूर की भांति विलीन हो जाता है। अगले पल ही वो दिष्टा हो जाते हैं, स्वयं के नियंता हो जाते हैं। वो किसी अन्य शक्ति से परिचालित नहीं है, स्वयं परमात्मा है, अपने विधाता स्वयं है। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि अपने दीप स्वयं बनो, मतलब अपना भाग्य खुद डिसाइड करो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु। इसी तरह अपने विधाता स्वयं है, वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं, स्वयं आश्रय है। मैं आत्मा हूँ, अतः मैं दोषी और असंत कैसे हो सकता हूँ। आत्मा तो स्वतंत्र और मोहरहित होती है, अतः वो ना तो मृग तृष्णाओं का पीछा करती है और ना उससे किसी प्रकार का दोष हो सकता है। इसलिए कभी अशांत भी नहीं हो सकती। जो मैं अब तक स्वयं की देह को प्रमुखता दे रहा था, समस्त बुराई की जड़ है। यही मानव को पतंग के कगार पर खड़ा कर देती है और वो मुक्ति की कामना से तड़प उठता है, वनों और पहाड़ों की ओर भ्रमण करता है, कष्टकारक साधनाएं करता है, फिर भी उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती। इस कारण वो मुक्ति से सदैव वंचित रह जाता है। किंतु अष्टावक्र ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, मुझे सत्य का साक्षात्कार हो चुका है। मैं देह नहीं, आत्मा और परमात्मा हूँ। इस सत्य की प्रतीति होते ही राजा जनक अष्टावक्र से गदगद होकर कहते हैं, हे मेरे गुरु, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आज मुझे पता चला कि मैं निरंजन और निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ और प्रकृति से परे हूँ, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, पंच तत्वों का चैतन्य स्वरूप और साक्षी हूँ। किंतु मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। समझ में नहीं आता कि यह कैसे विडंबना थी जो इतनी लंबी अवधि तक मैं मोहविष्ट रहा और सदैव निरर्थकता को ही सार्थकता का पर्याय मानता रहा। यह अंतर्दृष्टि मुझे आपने ही दी है, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए तो गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को ईश्वर से परिचित कराता है। आपने मुझे आत्मनिष्ठ होने का महामंत्र प्रदान किया है। आप मानव की महत्ता को रेखांकित करते हैं। आपके ये विचार कितने उत्कृष्ट हैं कि मानव तुच्छ नहीं अपितु वही आत्मा परमात्मा है। इस सत्य की जो अवहेलना करता है वो तुच्छ ही रहता है। गुरुदेव, आपने मुझे मेरी महत्ता की अनुमति करा दी। अब मैं स्वयं अत्यंत प्रशांत और प्रबुद्ध अनुभव कर रहा हूँ। मेरा इस मिथ्या जगत और भ्रामक भौतिकता से मोहभंग हो गया है। तो राजा जनक कह रहे हैं, जिस प्रकार मैं अपने देह को आलोकित करता हूँ, उसी प्रकार जड़ जगत को भी करता हूँ। सत्य तो यह है कि सर्व जगत मेरा है, अथवा इसका कोई अस्तित्व नहीं। अब विवेचना। राजा जनक आगे स्वीकार करते हैं कि उन्हें देह और आत्मा के सूक्ष्म भेद का विवेक बोध हो गया है। ऐसा उन्हें यह स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार मैं ही देह को अलोकित करता हूँ, उसी प्रकार जगत को अलोकित करने वाला भी मैं ही हूँ। ये सर्व जगत मेरा है, अथवा इसका कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात देह मिथ्या है, अतः
जगत भी मिथ्या है। राजा जनक को स्वयं के आत्मस्वरूप पर विश्वास हो गया है, उन्हें अपने मानव होने की सार्थकता समझ में आ गई है। आत्मज्ञान होते ही वे अहंकारहीन और निराभिमानी हो उठे हैं। आत्मस्वरूप धारण करते ही उनकी देह अलंकित हो जाती है। उन्हें प्रतीत होता है कि आत्मा अर्थात मैं ही देह को अलंकित करता हूँ और जगत को भी। जगत मुझसे है, मैं जगत से हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जगत भी कुछ नहीं, मैं और जगत काल्पनिक अवधारणाएं हैं, एकमात्र आत्मा ही सब कुछ है। मुझे बोध हो चुका है कि मेरा मैं कुछ नहीं, मेरा मैं तो आत्मा है, मैं से आत्मा है और मैं से ही मैं। यानी इंसान जो बोलता है ना, मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा, तो ये जो मैं है, मैं ये हूँ, तो मैं का मतलब आत्मा है। दोनों अभिन्न हैं, अतः नैसर्गिक और अनश्वर है। मैं और आत्मा का एकाकार होना ही निराकार है और निराकार होना ही मुक्त होना है, फ्री होना है। राजा जनक की इसी स्वीकारोक्ति में आह्लाद और आनंद की स्पष्ट झलक है। चूँकि वो आत्मस्वरूप की अनुभूति से नितांत शांत और निरंजन हो गए हैं, अब उनमें न तो कोई अभिलाषा शेष रह गई है और न ही लोभ मोह और माया। वस्तुत लोभ मोह और माया ने ही राजा जनक को कृत्रिम और भ्रामक मूल्यों का दास बना रखा था। वो मैं के अहम में विस्मृत होकर आत्मज्ञान से वंचित थे। वो सोचते थे कि आत्मा और मैं एक नहीं, विभाजित है। मानव तो सिर्फ काया है और मरणापंत ही काया के प्राण आत्मा का रूप ग्रहण करते हैं। अष्टावक्र ने परम सत्य का प्रसाद दिया तो राजा जनक को स्पष्ट विदित हुआ कि मानव के मरने के बाद आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा तो नित्य है, परमानेंट है, निरंतर है, शाश्वत है। उसका ना जन्म होता है ना मरण। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा ही में मैं समाहित है और मैं ही आत्मा में। राजा जनक को इस परम सत्य का साक्षात्कार तत्काल निराकार होने का परम सुख प्रदान करता है। वो निराकार आत्मस्वरूप का बोध करते ही समझ जाते हैं कि मैं और जगत का अस्तित्व है भी और नहीं भी है। इस बोध से उनके सम्मुख ये परम सत्य भी प्रकट होता है कि उनके आत्मस्वरूप से देह भी अलौकिक है और जगत भी। जगत मेरा ही प्रतिरूप है और मैं ही जगत का प्रतिरूप, मैं कुछ भी नहीं, अतः जगत भी कुछ नहीं है। सर्वत्र आत्मा का रूप ही विकीर्ण है। जो इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है वो आत्मज्ञान से विहीन होकर निरर्थक जीवन यापन करता है। उसे मात्र देह साकार मोह माया लोभ और वासनाएं ही अविष्ट प्रतीत होती है और वो आत्मस्वरूप का बोध किए बिना ही मरता और जीता रहता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मस्वरूप की विराटता, विशालता और अंतहीनता के दर्शन करा दिए तो वो गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहते हैं, आप धन्य हैं कि मुझे आपने मेरे प्रति ही निष्ठावान बना दिया। मैं तो ऐसा परमात्मा के प्रति निष्ठावान था जिसे मैं व्योम की अत्यंत ऊंचाइयों में गुप्तवास करते देखता था। मैं तो कल्पित परमात्मा की अवधारणा में ही आजीवन भटकता रहता। यानी भगवान मेरे अंदर नहीं है, बाहर है, ऐसा सोचता रहता है। लेकिन कहीं और क्यों जाना, भगवान जो आत्मा है वो मेरे अंदर ही है। जो कुछ भी है मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं, इसलिए बाहर कहाँ भटकना है, ऐसा कह रहे हैं। किंतु आपकी कृपा से ज्ञात हुआ कि मैं तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। आत्मा के अतिरिक्त मैं का कोई अस्तित्व नहीं। मैं का आत्मस्वरूप होते ही मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा की प्रतीति से देह और जगत प्रकाशमय है। आत्मा से जगत है, जगत ही आत्मा है, तो जगत भी निराकार और निस्संग है। अब राजा जनक कहते हैं, आपने अत्यंत कुशलता से ऐसा आत्मज्ञान प्रदान किया है कि मैं सशरीर विश्व का परित्याग करके आत्मा को साक्षात देख रहा हूँ। आप इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ते हैं जो कि विवेचना है। जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक प्राणी मात्र दिग्भ्रमावस्था में सतत भटकता रहता है। ये भटकना क्या है, मात्र आसक्तियों से आबद्ध रहना। ये ऐसी स्थिति है जिसमें मानव की जिंदगी नाटकीय हो जाती है। भोग विलास में वो जिस सुखानुभूति से तृप्त होता है वो कृत्रिम और विभत्स होती है, किंतु उसे लगता है यही जीवन का परम लक्ष्य है।
मानव नहीं जानता कि ऐसी जीवन शैली आत्महत्या होती है जो उसे आत्मा से परिचित नहीं होने देती, अर्थात स्वयं से, स्वयं की शक्तियों और स्वयं के प्रति विश्वास से हीन करती है। मानव को लगता है परमात्मा ने जितना जीवन दिया है उसे अंतिम क्षण तक आनंदपूर्वक ही भोगना चाहिए। अगर कोई पाप हो भी जाए तो चिंता नहीं, गंगा में डुबकी लगाते ही प्रायश्चित हो जाएगा। वो स्वार्थ के वशीभूत और निष्ठुर हो जाता है। निष्ठुरता उसे दम्भी और अभिमानी बनाती है। अभिमानी मानव मात्र स्वयं को महत्व देता है, उसे अपनी काया के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रत्येक मानव मुक्ति के लिए छटपटाता है। भोग विलासी को मुक्ति की आवश्यकता अधिक होती है, अतः उसकी छटपटाहट भी अधिक होती है, किंतु उसे मुक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं होता। कोई समाधि लगाता है, कोई ईश्वर स्तुति करता है, कोई तपस्वी बन जाता है, तो कोई एक टांग पर खड़ा होकर हठ योग में लीन हो जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि में इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। वे कहते हैं मानव को स्वज्ञान करना चाहिए, खुद से ज्ञान लेना चाहिए, यानी आत्मा से। ये स्वज्ञान ही आत्मज्ञान है। यही आत्मज्ञान जब राजा जनक को होता है तब उनका जीवन सार्थक हो उठता है। आत्मज्ञान के लिए ये अत्यंत आवश्यक ही है कि ज्ञान के प्रति आस्था हो। राजा जनक में यही आस्था थी। उन्होंने निष्ठा और विश्वास पूर्वक अष्टावक्र के उपदेशों का श्रवण किया, यानी सुना, तो शब्द सीधे उनके हृदय पटल पर अंकित हो गए। यही अष्टावक्र गीता की विशेषता है, सिर्फ सुनना चाहिए। कृष्ण की गीता में सुनकर थोड़ा सोचना पड़ता है, अष्टावक्र गीता अगर सुनते हैं तो ही काम बन जाता है। आत्मज्ञान ने राजा जनक को संपूर्णतः परिवर्तित कर दिया। शरीर उनकी दृष्टि में नगण्य हो गया। वो विशुद्ध रूप से आत्मा हो गए हैं। मैं और जगत का अस्तित्व मिथ्या लगने लगा। आत्मबोध से उनकी काया को आलोक मिलता है, जिसमें आभास हो जाता है कि उनका दृष्टा कोई और नहीं, वो स्वयं है। यानी वो जो कुछ भी कर रहा है उसे करते हुए वो खुद ही देख रहा है। उसके अंदर जो आत्मा है वही देख रहे हैं, वही साक्षी बन रही है। वो क्रियाहीन और निष्काम है, क्योंकि आत्मा क्रियाशील और काममय नहीं होती। मतलब काममय का मतलब इच्छा है, आत्मा को कोई इच्छा नहीं होती। आत्मा निरपेक्ष और तटस्थ है, इसलिए अहंकारहीन भी है। राजा जनक जब आत्मस्वरूप हो गए तो उन्हें अपना शरीर निरर्थक प्रतीत हुआ। अतः वो अष्टावक्र से कहते हैं, यह शरीर तुच्छ है, इस जगत की व्यर्थता का बोध मुझे हो चुका है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः इस शरीर व जगत की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं शरीर और जगत का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं जगत को छोड़कर साधु बनकर चला जाता हूँ। छोड़ता हूँ मतलब मेंटली अपने अंदर से छोड़ता हूँ। चले जाने से छोड़ना नहीं हुआ, चले जाने से ये बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं, मैं शरीर और जगत का परित्याग करता हूँ। आपने अत्यंत कुशलता से अनुभव करवा दिया है कि मैं ही परमात्मा हूँ। मुझे परमात्मा स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। आत्मबोध होते ही राजा जनक की दृष्टि में देह, आत्मा और परमात्मा से समस्त भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होते हैं कि ये सब एक दूसरे में अंतर्निहित है, इनका एकत्व ही यथार्थ है। जो मानव इन्हें भिन्न रूपों में मानता है वो सदैव भ्रमित रहता है और अपने वास्तविक विराट स्वरूप के दर्शन करने से आजीवन वंचित रहता है। तो विराट स्वरूप जैसा कृष्ण ने दिखाया था वो सबके अंदर ऑलरेडी है। उसमें त्याग की भावना आ ही नहीं सकती। वो तो सतत पाने की ही लालसा में केंद्रित होकर अपने असीम स्वरूप को सीमित करता है। वो परमात्मा की कल्पित सत्ता से सदैव भयभीत रहता है, उसके कोप से बचने के लिए उपासना करता है, उसकी कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि परमात्मा तो उसी के अंदर है, बाहर है। परमात्मा तो वो स्वयं है। अष्टावक्र ये बात स्वयं रूप से कहते हैं, परमात्मा तुमसे अलग नहीं, तुम स्वयं परमात्मा हो। जब तक मानव स्वयं को महत्व प्रदान नहीं करेगा, स्वयं को परमात्मा नहीं मानेगा, उसका उद्धार संभव नहीं। परमात्मा का मतलब है आत्मा, परम प्लस आत्मा, जो अपना परम गति प्राप्त कर चुकी है ज्ञान से, उसे ही परम आत्मा यानी परमात्मा मानना पड़ेगा। और अगर ऐसा मान लिया उसका उद्धार हो जाएगा। राजा जनक ने स्वयं को परमात्मा के रूप में देखा तो उन्हें अपने शरीर और जगत से मोह भंग हो गया। उन्होंने शरीर और जगत को त्यागने की घोषणा कर दी। शरीर और जगत को त्यागने का ये अर्थ नहीं है कि मानव मृत्यु का वरण करे। यहाँ त्याग का मतलब है जगत में व्याप्त मोहाशक्त करने वाले पदार्थों से विमुख हो जाना।
मन से उनको रिजेक्ट कर देना, शरीर को भोग विलास और वासनाओं में लिप्त ना करना, अर्थात तू आत्मा हो जा, तेरा शरीर और जगत से नाता टूट जाएगा। शरीर और जगत होते हुए भी नहीं होंगे। आत्मा स्वरूप होने के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को, स्वयं के शरीर को और जगत को भूलकर निष्ठापूर्वक स्वयं को आत्मा मानो। यही राजा जनक ने निष्ठापूर्वक स्वीकारा तो उनका अपने शरीर और जगत से संबंध विच्छेद हो गया और वो अष्टावक्र की कृपा से परमात्मा को देखने में सक्षम हो गए। राजा जनक की तरह कोई भी स्वयं में परमात्मा के दर्शन कर सकता है, किंतु उसे अष्टावक्र के उपदेशों में निष्ठा और अपने आप में आस्था रखनी होगी, तभी वो अपने शरीर की निरर्थकता का बोध कर स्वयं को मात्र आत्मा स्वरूप मानेगा। फिर ना उसे शरीर से मोह रहेगा और ना जगत से, और वो स्वयं में परमात्मा के दर्शन कर सकेगा। भावार्थ, जिस प्रकार जल से तरंग फैन व बुलबुले भिन्न नहीं, उसी प्रकार आत्मा और विश्व भी भिन्न नहीं। ये विश्व आत्मा से ही प्रस्फुटित हुआ है। ये पुराणों में भी लिखा गया है कि विश्व आत्मा से ही बना है। अब जिसने ट्रांसलेट किया है उसका विवेचना भी सुन लेते हैं। आत्मज्ञान होते ही राजा जनक की दृष्टि व्यापक हो जाती है। वो शरीर और जगत की मोह माया से मुक्त होकर इनका परित्याग करते हैं। उन्हें यह सहज ही आभास हो जाता है कि आत्मा वास्तव में सर्वव्यापी है, चराचर के कण कण में विद्यमान है। उसके बिना जड़ जीव और जगत की कल्पना करना मूर्ता है। जो जड़ जीव और जगत से आत्मा को पृथक करते हैं वे वस्तुत मूढ़ होते हैं। ऐसे ही लोग शरीर को प्रधानता देते हैं और सुख दुख के प्रपंच में फंसे रहते हैं। आत्मा के बारे में उनका मानना होता है कि वो शरीर के बाद अस्तित्व में आती है। राजा जनक इस सत्य से परिचित होते हैं कि आत्मा का अस्तित्व चिरस्थाई है, परमानेंट है। शरीर रहे या ना रहे, आत्मा की अनिश्चितता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आत्मा प्रत्येक जड़ चेतन के अंदर समाहित है, अतएव शरीर को आत्मा मानने में ही गति है। राजा जनक भी देह को तिलांजलि देकर आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें स्वयं में परमात्मा के दर्शन होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि संपूर्ण विश्व आत्मा से ही प्रस्फुटित हुआ है। आत्मा और विश्व में कोई अंतर नहीं, विश्व और आत्मा एकत्र है, अभिन्न है, इसीलिए निराकार है। ये जो विश्व हमें दृष्टिगोचर हो रहा है वो वस्तुत आत्मा का ही साक्षी रूप है। अष्टावक्र राजा जनक को बार बार आत्मा का महत्व क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं शरीर को भूल जाओ और आत्मा स्वरूप धारण करो? ये आत्मा स्वरूप और आत्मा क्या है, वस्तुत आत्मा का अर्थ में ही होता है। अष्टावक्र राजा जनक के माध्यम से संपूर्ण मानव समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं कि मानव अपनी शक्ति को पहचाने, वो अपने शरीर का मोह त्यागे, ये ना समझे कि शरीर का धर्म भोग विलास और आत्मा का पृथक संसार है। मानव ही आत्मा है, वो स्वयं को आत्मा स्वरूप माने, तभी वो स्वयं में परमात्मा का दर्शन करेगा। तभी उसे आभास होगा कि वो किसी आकाशीय परमात्मा की कठपुतली नहीं है, अपना नियंता आप है, खुद है। राजा जनक शारीरिक विद्रूपताओं के मोह से विच्छिन्न होकर आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। उनका सर्वांग परमात्मा हो जाता है। उन्हें अपना शरीर और जगत मिथ्या प्रतीत होता है। उनके सम्मुख ये सत्य सिद्ध हो जाता है कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वो अष्टावक्र के सामने स्वीकार करते हैं कि देह और आत्मा की द्वैत अवधारणा असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, देह और आत्मा की सत्ता एक है। ये अद्वैत अवधारणा की मोक्ष के प्रशस्त मार्ग की ओर प्रेरित करती है। राजा जनक स्वीकार करते हैं कि मैं और आत्मा में किंचित मात्र भी भेद नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। इसका बोध होते ही हे प्रभु चमत्कार हो गया, अब मुझे सर्वत्र आत्मा की विद्यमानता दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है। आत्मा से कुछ भी अछूता नहीं, सब आत्मा को स्पर्श करते हैं, आत्मा सबको स्पर्श करती है। आत्मा मुझ में भी है, तुझ में भी है, मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा से किसी को पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जल से तरंग झाग और बुलबुले निकलकर अलग रूप का भ्रम पैदा करते हैं किंतु वे जल से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार विश्व देखने में भले ही अलग लगे किंतु वह आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि विश्व का निर्माण आत्मा से ही हुआ है। आत्मा की सर्वव्यापकता का सत्य जिसने प्राप्त कर लिया वो स्वयं से विस्मित हो जाता है। ये विस्मृति उसे निर्लोभी, निर्मोही और मायाहीन बना देती है। इसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो आत्मा स्वरूप हो गया। क्योंकि आत्मा निर्मोही, निर्लोभी और मायाहीन होती है, वस्तुत माया मोह और लोभी मानव को आत्मा से साक्षात्कार नहीं करने देते। वासनाओं के अंध महासागर में वो
आकंठ इतना डूब जाता है कि स्वयं को परमात्मा मानने की शक्ति अर्जित नहीं कर पाता। परमात्मा उसकी दृष्टि में भाईकारी शक्ति है, जिसे क्रोधित करने का अर्थ है जीवन से वंचित होना। उसे मात्र अपने से अपने जीवन से मोह होता है। वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि तो देता है, किंतु शारीरिक मोह की बलि देने से कतराता है। यदि वो स्वयं में परमात्मा की प्रतीति करे तो वो स्वयं शारीरिक व जगत के मोह को तिलांजलि दे देता है। आत्मा को ना कुछ पाने का मोह है, ना कुछ खोने का डर है, ना ही उसे आत्मा को गुस्सा आता है, ना ही वो किसी से नफरत करता है, ना ही किसी से प्यार करता है। ठीक है, उसे समस्त सृष्टि आत्मा में प्रतीत होती है। भले ही ऐसा लगे विश्व व आत्मा भिन्न है, किंतु वास्तविकता यह है कि विश्व आत्मा का साक्षी है और दोनों अभिन्न हैं। वैचारिक दृष्टि से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व भी मात्र आत्मा ही है। अब विवेचना पढ़ते हैं। राजा जनक का आत्मबोध उनकी वैचारिक दृष्टि को व्यापकता प्रदान करता है। उन्हें समस्त सृष्टि आत्मा में प्रतीत होती है। अष्टावक्र इस सत्य को भलीभांति रेखांकित करने में सफल हुए हैं कि सृष्टि आत्मा से निश्चित हुई है, अतः वो आत्मा से भिन्न हो ही नहीं सकती। समस्त चराचर का मूलाधार एकमात्र आत्मा ही है। इसी सत्य को राजा जनक जब हृदयंगम करते हैं तो वो विश्व को विश्व के रूप में नहीं देखते, विश्व उन्हें आत्मा प्रतीत होता है। मानो आत्मा के बिना विश्व का अस्तित्व नहीं, ऐसी प्रतीति का कारण है कि वो आत्मा का साक्षी है, आत्मा की भांति निराकार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मानव की देह आत्मा का साक्षी स्वरूप है, देह के साकार को साक्षी मानो, क्योंकि देह का आत्मा स्वरूप निराकार है। जो आत्मा और विश्व के पृथक पृथक सत्यों में विश्वास रखते हैं, जो आत्मा और विश्व के एकत्व को खंडित करते हैं, उनके विचार भी द्वैत होते हैं, खंडित होते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जो विश्व आत्मा से प्रकट हुआ है उसे अलग अलग कैसे मान लिया जाए। अष्टावक्र के आत्मज्ञान से राजा जनक के ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं तो वो स्वयं को आत्मा से अलग देख ही नहीं पाते। आत्मा में और आत्मा स्वरूप की तीव्र चेतनाओं की उन्हें आवाज कराती है कि आत्मा से पृथक कुछ नहीं, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्ममय ही हो सकती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो आत्मा से पैदा होते हैं उसे आत्मा से पृथक मानने की दृष्टिता कैसे की जा सकती है? जो आत्मा परमात्मा जो परमात्मा से भयभीत होते हैं, जो स्वयं के आत्मरूपी होते होने की कल्पना को दुस्साहस मानते हैं, ऐसे लोग ही आत्मा और सृष्टि को पृथक मानने की दृष्टिता करते हैं। राजा जनक को वैसे ही स्वयं के आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। उनके समस्त संदेह विलुप्त हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाते हैं कि जल और जल के बुलबुलों की सत्ता जिस प्रकार पृथक नहीं होती, उसी प्रकार विश्व को आत्मा से अलग नहीं माना जा सकता। आत्मा और विश्व एक दूसरे में समाहित एक ही रूप हैं। राजा जनक अष्टावक्र के समक्ष स्वीकारते हैं, आपकी कृपा से मुझे आत्मबोध हो गया है कि आत्मा से पृथक कुछ नहीं है। जल और जल के झाग भले ही भिन्न प्रतीत होते हों, किंतु झाग जल से अलग नहीं। वस्त्र और तंतु भी भले ही अलग अलग प्रतीत होते हैं, किंतु वस्त्र वस्तु तंतु से ही बना है, अतः वे एक दूसरे से अलग नहीं है। तंतु मूल है और उसी से वस्त्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार विश्व का मूल भी आत्मा है, आत्मा से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है, अतः आत्मा और विश्व एक ही हैं, अलग नहीं। राजा जनक को जैसे ही आत्मबोध होता है, उन्हें सब कुछ आत्मामय दृष्टिगोचर होता है। इस सत्यानुभूति से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। भावार्थ, जिस प्रकार ईख के रस से निर्मित शर्करा में ईख का रस ही व्याप्त है, ईख का मतलब शुगर केन, रस का मतलब जूस और शर्करा का मतलब चीनी। ठीक है, शुगर केन के जूस में निर्मित शर्करा, जूस में जो चीनी होता है, मिठास होता है, एक का रस ही व्याप्त है उसमें, उसी प्रकार मुझसे निर्मित विश्व मुझ में ही निरंतर व्याप्त है। आप विवेचना सुनते हैं राजा जनक के बारे में। राजा जनक की अंतर्दृष्टि को अष्टावक्र के उपदेशों ने इतना व्यापक और विस्तृत कर दिया है कि उन्हें चराचर का कण कण आत्मा स्वरूप प्रतीत होता है। वस्तु सारा भ्रम तभी पैदा होता है जब मानव आत्मा की सत्यता से अपरिचित होता है। परमात्मा की पृथक सत्ता के भय से वो इतना सहमा हुआ है होता है कि उसके लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वही आत्मा है, आत्मा उससे भिन्न नहीं। इस भ्रम को फैलाने में द्वैतवादियों का योगदान कम नहीं है। उन्होंने शरीर और आत्मा की पृथक पृथक सत्ता को मान्यता दी है। वे कहते हैं शरीर अलग है और
जीवितावस्था तक आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। शरीर जब प्राण त्याग देता है तब प्राण आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनका कथन है कि मुक्ति और मोक्ष के लिए परमात्मा का योग साधना व रूप से प्रसंग करना चाहिए। वे नहीं मानते कि मानव ही परमात्मा है। द्वैतवादियों की इस विचारधारा का भयावह फल यह निकला है कि मानव स्वयं में दीनहीन हो गया। स्वयं का आत्मा परमात्मा होना मानव को जो मानसिक शक्ति संकल्पता प्रदान करता है, जो आत्मविश्वास प्रदान करता है, उससे वो समस्त का आकांक्षाओं और भोग विलासों से विमुख हो जाता है। जबकि आत्मा परमात्मा की पृथक सत्ता का विचार मानव को देह के प्रति जागरूक करता है। उसे देह ही प्रमुख प्रतीत होती है। वो देह को सजाने संवारने में लगा रहता है, यानी सबका देह ही देखते रहता है, शरीर देखता है। शरीर देखने से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। देह की आवश्यकताओं की पूर्ति से उसे तनिक भी अवकाश नहीं मिल पाता। आनंद और उमंग में से जीने की ललक से मानव जीवन के वास्तविक मूल्यों और ध्येयों से अलग अलग पड़ जाता है। भौतिकता के प्रति उत्कंठा में जितनी वृद्धि होती जाती है, उतना ही वो विभ्रमों का शिकार होता है। भोग विलास की अति से स्वयं में वो उब जाता है और उसे जीवन निस्सार लगने लगता है और वो मुक्ति और मोक्ष के लिए आकुल हो उठता है। यहाँ भी वो मिथ्या धारणाओं का ही अवलंबन लेता है। स्वयं में परमात्मा की उपस्थिति का बोध उसे होता नहीं। अतः वो आत्मा को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न निरर्थक प्रयोग करता है। राजा जनक की भांति यदि मानव इस सत्य से परिचित हो जाए कि वही आत्मा और परमात्मा है, तो उसकी निवृत्ति असंदिग्ध है। इस सत्य से परिचित होना ही पर्याप्त नहीं, वरन इसे निष्ठा और पूरी आस्था के साथ हृदयंगम करना ही पर्याप्त नहीं वरन इसकी निष्ठा और पूरी आस्था के साथ हृदयंगम करना चाहिए। तभी वो परमात्मा के परम पद की अनुभूति कर पाने में सक्षम होगा। राजा जनक आत्मामय हो गए तो उनका शरीर से मोह समाप्त हो गया, क्योंकि आत्मा के निकट मोह माया का कोई अर्थ नहीं है। आत्मा ना शरीर है, ना तो साकार है, ना उसे दुख होता है, ना उसे गुस्सा आता है, ना उसे प्यार होता है, ना उसे मोह होता है। अतः राजा जनक एकाएक मोह माया से विमुक्त हो गए। स्थिति में संपूर्ण विश्व के केंद्र में उन्हें ब्रह्म नजर आया, बीज रूप में आत्मा नजर आया, जिससे जीव जगत निस्तृत हुआ। जैसे बीज होता है वैसे ही उसका फल होता है। आत्मा से जीव जगत पैदा हुआ तो ये स्वयं सिद्ध है कि जीव जगत आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार नख को त्वचा से पृथक नहीं कर सकते, यानी नाखून को त्वचा से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार विश्व व आत्मा एक है। जिस प्रकार वस्त्र व तंतु एक है, उसी प्रकार विश्व व आत्मा एक है। राजा जनक अष्टावक्र को एक और उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं, इक और शर्करा भले ही भिन्न प्रतीत होता है, किंतु मूलतः एक ही है, क्योंकि शर्करा इक के रस से बनती है और उसमें इक का रस ही व्याप्त होता है, अतः वे पृथक हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार ये विश्व मुझसे बना है, अतः मुझसे अलग नहीं है, अर्थात मैं आत्मा हूँ और आत्मा से बना है ये विश्व। इसकी सत्या एक ही है। अष्टावक्र ने अब तक जितना उपदेश राजा जनक को दिया था, उसके आलोक में राजा जनक समझ जाते हैं कि वस्तुओं के विभिन्न आकारों और रूपों से भ्रमित नहीं हो सकता। सदैव मूलाधार को प्रमुख मानना चाहिए। भले ही एक रस और शर्करा यानी चीनी तीन विभिन्न रूपाकार हो, किंतु रस और शर्करा का मूलाधार एक ही है, अतः एक की प्रधानता में संदेह नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आत्मा की प्रधानता असंदिग्ध है, क्योंकि संपूर्ण विश्व आत्मा से निश्रित हुआ है। भावार्थ, आत्मा राजा जनक कहते हैं आत्मा अज्ञान से जगत स्थूल रूप में भासता है और आत्मा ज्ञान से नहीं। इसी प्रकार रस्सी का ज्ञान ना हो तो वो सर्प प्रतीत होती है, और रस्सी का ज्ञान हो तो भ्रम नहीं रहता। अब राजा जनक के बारे में कुछ विवेचना पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान के अभाव में जगत स्थूल रूप में दृष्टिगोचर होता है। स्थूल जगत क्या है? चराचर से भरा पूरा भूखंड। आत्मा ज्ञान से वशीभूत होकर मानव को इससे भिन्न जगत का स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसे सारा जगत मात्र उपभोग की वस्तु का विशाल भंडार प्रतीत होता है। वो आजीवन भौतिक उपलब्धियों के झंझावाट में घिरा रहता है, स्वार्थ और मोह में स्वयं को भूल जाता है। जो स्वयं को भूल जाता है वो आत्मा को भूल जाता है।
आत्मा का आत्मसात ना कर पाने के कारण निरंकुश और अहंकारी बन जाता है। उसकी दृष्टि में उसका स्व ही सब कुछ है। स्व मतलब खुद, स्व की तुष्टि मतलब शरीर की तुष्टि ही उसका एकमात्र ध्येय बन जाता है। ध्येय की सफलता के लिए वो परमात्मा से भक्तिभाव से आग्रह करता है। मस्तिष्क में परमात्मा की कल्पना काल्पनिक छवियों को गढ़ता है। तदुपरांत उसे जीवन की व्यर्थता का बोध होता है और समस्त कर्तव्य से विमुख होकर परमात्मा के मिलन की कामना से वन कंदराव की ओर पलायन करता है, जो वस्तुत अज्ञान की ओर पलायन है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है। उन्हें अपने आत्मस्वरूप पर आस्था और विश्वास है। वो जगत अथवा जीवन की निश्चर व्यर्थ या मिथ्या नहीं मानते। जगत भी है, जीवन भी है, किंतु जब आत्मामय वो जगत अथवा जीवन को निश्चर व्यर्थ या मिथ्या नहीं मानते। जगत भी है, जीवन भी है, किंतु वो आत्मामय, और जो आत्मामय है वो व्यर्थ कैसे हो सकता है। निरर्थकता या सार्थकता, जो सार्थकता तो मानव की दृष्टि में है, जिससे आत्मबोध है उसके लिए जगत व जीव आत्मा स्वरूप है, इसलिए सदैव सार्थक है। इसके विपरीत जो आत्मबोध से शून्य है उसके लिए जगत व जीव तब तक सार्थक है जब तक वो उसे भोगने में समर्थ है। जो आत्मबोध की अनुभूति कर चुका है वो परमात्मा मिलन की चाह में कर्तव्य से विमुख हो पलायन नहीं करता, क्योंकि उसे भलीभांति विदित है कि वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, यानी वो जगत को छोड़कर नहीं जाता, संन्यास नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा उसके अंदर ही है, परमात्मा उसके अंदर ही है, परमात्मा उसमें है, वो परमात्मा में है, वो अपना नियामक आप बन जाता है, किसी काल्पनिक परमात्मा पर निर्भर नहीं रहता। आत्मबोध से मानो राजा जनक का नया अवतरण होता है। उसके सामने सृष्टि नए रूप में अवतरित होती है। उन्हें स्वयं से सृष्टि अलग प्रतीत नहीं होती, वो भी आत्मा, सृष्टि भी आत्मा, फिर उनमें अलगाव कैसा। सृष्टि मतलब जगत भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो फिर उससे अलगाव कैसा। उन्हें मुक्ति प्राप्ति के लिए वन कंदराओं में पलायन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। वन में भागने की, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर आत्मा है, तो ढूंढने के लिए कहीं और क्यों जाना। मात्र आत्मबोध से उनका कल्याण हो जाता है। उन्हें सप्रयास मोह माया व लाभ को झटकना नहीं पड़ा। आत्मस्वरूप होते ही अनायास उनका लोप हो गया। राजा जनक को अब पता चला कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ था वो जगत की स्थूलता को ही वास्तविक जगत मान बैठे थे। इस विभ्रांति ने उन्हें कृत्रिम जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया था। उनकी दृष्टि में उनका शरीर ही विशेष था। उनके स्वास्थ्य, सुख और आनंद के प्रयास में उनका हर पल व्यतीत होता था। परमात्मा से याचना करते थे कि मरणोपरांत, मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले। भला हो गुरु अष्टावक्र का, जो उन्होंने इस सत्य से अवगत कराया कि परमात्मा को क्यों मानते हो। परमात्मा तो तुम खुद ही हो, आत्मा तुमसे अलग नहीं। भूल जाओ कि तुम पंच तत्वों का समूह हो, यानी शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, आपने सुना होगा। तो भूल जाओ कि तुम पंच तत्व हो, शरीर हो या आकार हो, तुम उन तत्वों के साक्षी हो, निराकार हो, आत्मस्वरूप हो। आत्मा सबका साक्षी है, सब कुछ देखता है, तो तुम वही मानो। आत्मस्वरूप होकर राजा जनक को सारा जगत आत्मा का पर्याय नजर आ रहा है। अब उनके सामने विराट सच्चाई प्रकट हो चुकी थी कि आत्मा अज्ञान के कारण जगत की स्थूलता ही उन्हें वास्तविक जगत प्रतीत होता था, किंतु आत्मा ज्ञान होते ही यह मिथ्या धारणा मिट गई। इस भ्रम का कारण वैसा ही था जैसे रस्सी के ज्ञान के बिना हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं अज्ञान से, किंतु रस्सी का ज्ञान होते ही हम उसके ओरिजिनल स्वरूप को जान जाते हैं। हम ऐसी भूल नहीं करते। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, आपके उपदेश से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। मैं इस जगत को आत्मा से भिन्न मान बैठा था, इसकी स्थूलता को सत्य स्वरूप मानता था। आत्मज्ञान से मुझे पता चला कि जगत और कुछ नहीं, आत्मा है। आत्मा अज्ञान ऐसा ही है जैसे रस्सी के ज्ञान के अभाव में कोई रस्सी को ही सांप मान ले, किंतु ज्ञान होते ही वो उसमें भेद करना जान जाएगा। सच तो यह है कि जिसे आत्मज्ञान हो जाए उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मस्वरूप होकर वो अपना जीवन सार्थक कर लेता है।
प्रकाश मेरा निज रूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो विश्व प्रकाशित होता है तब वो मुझसे ही आभासित होता है। जब विश्व प्रकाशित होता है, विश्व देखने में आता है, तब वो मुझसे ही यानी आत्मा से ही आभासित होता है। अब इसका विवेचन यानी डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया है वो पढ़ते हैं। आत्मा स्वरूप होते ही राजा जनक का सोच विराट और विस्तृत हो गया है। उसे आभास होता है कि वो मैं नहीं आत्मा है। निज की निरंजनता, शांति बोध, प्रकृति से दूरी की अनुभूति होते ही उनका अपने शरीर से मोह भंग हो जाता है। वो आत्मा हो जाते हैं। इसका बोध उनके सर्वांग को प्रकाशित करता है। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मा ही सर्वोपरि है। आत्मा शाश्वत प्रकाश पुंज है। इसके आलोक से मानव अपनी व जगत की वास्तविकता से परिचित होता है। जब मानव स्वयं आत्मा हो जाता है तो प्रकाश पुंज बन जाते हैं। निज को भी आलोकित करता है और जगत को भी आभासित करता है। आत्मविहीन मानव निरंतर अंधकार में भटकता है। उसके अंतर्मन का तमस उसे तामसिक प्रवृत्तियों का दास बना देता है। वो यानी दुख, टेंशन, पाने की इच्छा, खोने का डर, ये सब तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं। वो ऐसे ही लोगों के संपर्क में आता है जो स्वयं अंधकार में भटक रहे हैं। आत्मज्ञान के अभाव में मानव अपना ही अहित करता है। उसका ध्येय सीमित और विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो आत्मस्वरूप धारणा कर पाने के योग्य नहीं होता। आज विश्व में अनाचार और व्यभिचार की वृद्धि का कारण आत्मज्ञान का अभाव ही है। मानव को भ्रम हो गया है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, महान है और अद्वितीय है। जो मानव संपन्न होता है वो परमात्मा का पूजा पाठ कर उसका आभार व्यक्त करता है। जो निर्धन होता है वो परमात्मा को उलाहना देता है कि उससे ऐसा कौन सी भूल हो गई जो वो दाने दाने को तरस रहा है। निर्धन हो या संपन्न, दोनों परमात्मा की कृपा पर निर्भर है, जबकि उनकी निर्धनता और संपन्नता कृत्रिम है यानी बनावटी है, असली नहीं है। वो दोनों भ्रामक और भाव जगत में जीते हैं। संपन्न को पता नहीं कि वो आत्मज्ञान के अभाव में निर्धन है और निर्धन इस सत्य से अपरिचित है। आत्मज्ञान की उपलब्धि से वो संपन्नता की अनुभूति से विभोर हो उठेगा। उसे भौतिक उपादानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तविक निर्धन वही है जो आत्मज्ञान से वंचित है। आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और आत्मा का अर्थ है स्वयं मानव। मानव स्वयं परिचित हो जाए, स्वयं से आस्था रखे, स्वयं के प्रति विश्वस्त हो, यही आत्मज्ञान है। आत्मा कोई वस्त्र नहीं है कि उसे पहनकर आप आत्मामय हो जाते हैं। जब से सृष्टि चली आ रही है आपका मैं ही आत्मा है। इसका आपको आत्मबोध मात्र होना चाहिए। इस बोध के बाद आपको अनुभव होगा कि ये आपके सोच को विराटता प्रदान करता है। आपके लिए समस्त भौतिक उपलब्धियां महत्वहीन हो जाती है। भौतिक उपलब्धियों पर इतराने वाले मानव को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वो स्वयं के प्रति आस्थावान नहीं रहता। ऐसा मानव आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता, वो अंधकार में ही जीता है और उसे ही प्रकाश मान लेता है। अष्टावक्र के उपदेशों के माध्यम से राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई तो उनका अंधकार छट गया और वो संपूर्णतः ज्योतिपुंज बन जाते हैं। आत्मा का अर्थ ही है प्रकाश, अलौकिक ज्योति, उज्ज्वलता। वो अष्टावक्र से कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ। मुझे प्रतीति हो गई है कि ये प्रकाश मेरा ही निज रूप है। प्रकाश मुझसे पृथक नहीं, मैं प्रकाश से पृथक नहीं। जब विश्व प्रकाशित होता है तो वो भी मुझसे उद्भासित होता है। इस प्रकार विश्व और मुझ में तदमात्म्य सिद्ध होता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि विश्व और आत्मा में पार्थक्य संभव नहीं। विश्व का प्रकाशित होना आत्मा से ही संभव और सहज है। परमात्मा क्या है, उसके हृदय को जब प्रतीति होती है तो क्या होता है। परमात्मा विशुद्ध प्रकाश है। परमात्मा की प्रतीति होते ही हृदय उज्जवल प्रकाश से आलोकित हो उठता है। मानव के सारे संशय संदेह लुप्त हो जाते हैं। उसका सोच, उसकी दृष्टि चतुर्दिक प्रकाशी प्रकाश देखती है। वो निराकार होकर प्रकाश की भांति विश्व के और छोर तक उद्भासित हो जाता है। प्रकाश में
प्रकाश समाहित है वो स्वच्छंद और मुक्त हो जाता है, उसका जन्म मरण नहीं होता, वो अनश्वर और शाश्वत होकर अनंत में निरंतर उपस्थित होता है। कितने आश्चर्य का विषय है कि अज्ञानतावश राजा जनक कहते हैं, कल्पित विश्व मुझे ऐसा लगता था जैसे सीपी रौप्य, सीपी चांदी हो, रस्सी सर्प हो और सूर्य की किरणें जल हो। अब इनका विवेचन और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में मानव बुद्धि असंशय हो जाती है, उसका विवेक प्रकाश और तिमिर का अंत करने में अक्षम हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी विवेचना नहीं कर पाता। सच तो यह है कि आत्मज्ञानी को विवेक और विवेचना की आवश्यकता ही नहीं, वो आत्मस्वरूप से महिमा मंडित नहीं होता, वो आत्मा प्रपंचाओं से गौरवान्वित होता है। उसे लगता ही नहीं कि प्रपंचाओं से वो स्वयं को धोखा दे रहा है। धोखेबाज अपनी क्षणिक उपलब्धियों, प्रसन्नताओं और आनंद से अल्पकाल तक भले ही इतराए, अंत में उसे अपनी ही जीवन शैली से घृणा हो जाती है। आत्मा अज्ञानी का अंत ऐसा ही आत्मघाती होता है, वो स्वयं के हाथों विनाश कर देता है। हर जन्म में इसकी निरंतरता बनी रहती है। राजा जनक जब तक आत्मा अज्ञान से लिप्त थे, अंधकार और अविवेक ने उनका सारा सोच विचलित कर दिया था। ज्ञान की पिपाशा उन्हें अष्टावक्र तक ले आई। जब उनसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके जीवन को सार्थकता मिल गई, प्रकाश से तन मन उद्भासित हो गया, बल्कि वो स्वयं प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए। ऐसा चमत्कारिक होता है आत्मज्ञान, वो मानव को प्रकाशित कर देता है। अंधकार का उसके निकट कोई स्थान नहीं, दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश होता है। प्रकाश के समक्ष कृत्रिमता, झूठ, प्रपंच और अविवेक टिक नहीं पा सकता, क्योंकि आत्मा एकमात्र वास्तविकता है, सत्य और यथार्थ है। आत्मज्ञानी की दृष्टि विश्व की कल्पित अवधारणाओं पर नहीं टिकती, वो विश्व की आंतरिकता एवं वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। आत्मज्ञानी को कल्पित संसार ही वास्तविक दृष्टिगोचर होता है, उसे यही लगता है कि रस्सी नहीं सर्प है। आत्मज्ञान से उद्भासित होते ही वो चकित होता है, अरे विश्व तो मुझसे है और मैं विश्व से, क्योंकि दोनों ही आत्मा हैं। आत्मा के प्रतिरूप, आत्मा के साक्षी रूप, वो अपने आंतरिक प्रकाश से संपूर्णतः आलोकित हो उठता है। वो गौरवान्वित होता है कि ये उसका निज का प्रकाश है, कोई अन्य उसे प्रकाशित नहीं कर रहा, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा का प्रकाश स्वतस्फूर्त होता है। जिस विश्व में वो अब तक विचरण करता रहा, वो तो नितांत काल्पनिक और अंधकारमय था। उसमें तो वो मात्र काल्पनिक कामनाओं के पीछे अंधा होकर भागता रहा था, वो स्वयं काल्पनिक और कृत्रिम हो गया था। काल्पनिक विश्व, काल्पनिक कामनाएं और काल्पनिक मानव का अस्तित्व ही क्या है? वे सब क्षणभंगुर, नाशवान और नश्वर है, कामनाओं के दास। मानव का मोक्ष संभव नहीं। आत्मा अज्ञान के कारण वो अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ होता है, वो स्वयं को भाग्य के आश्रय छोड़ देता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो अपना उद्धारक स्वयं है, खुद है, यानी आप है। अष्टावक्र के पास आने से पहले राजा जनक को भी ऐसा ही भ्रामक स्थिति थी। उनसे ज्ञान मिलते ही वो साक्षात अग्निपुंज बन गए। वो चकित रह गए कि आत्मज्ञान के अभाव में जिस विश्व पर उन्हें अगाध विश्वास था, वो तो नितांत अविश्वसनीय है। आत्मज्ञानी जिस प्रकार सीपी को देखकर उसे चांदी मान लेता है, रस्सी को देखकर सर्प मान लेता है और सूर्य की किरणों उसे जल के समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार उन्होंने भी कल्पित विश्व को वास्तविक मान लेने की भयंकर भूल की थी। अब उन्हें पता चल गया कि विश्व यथार्थ में आत्मा है, आत्मा से विश्व है, मैं विश्व हूँ, विश्व ही मैं हूँ, मेरी अथवा विश्व की स्थूलता असत्य है, आत्मा की निराकृति ही सत्य है, विश्व निराकार है, मैं भी निराकार हूँ, इसीलिए स्वयं भी निरंतर है। तो कृष्ण ने भी अपने आत्मा का निराकार विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन को हिप्नोटाइज करके, मतलब दिव्य दृष्टि देखे के, कहने का मतलब मैं भी निरंतर हूँ, आत्मामय बनकर सब कुछ एकांत हो जाता हूँ, एक दूसरे से अब अविच्छिन्न, अबद्ध और अंतर्निहित। अब राजा जनक कहते हैं, मुझसे निस्तृत विश्व मुझ में ही उसी प्रकार विलीन हो जाएगा जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण का विलय हो जाता है। अब इसका डिटेल वर्णन विवेचना में सुनते हैं। ये विश्व क्या है? मायाजाल। मानव क्या है? मायाजाल में निबंध अज्ञानी और विमूढ़। अपनी विमूढ़ता में वो मायाजाल की विभीषिका से भिंग्य नहीं हो पाता,
मायाजाल के आड़े तिरछे मार्ग पर चलने में असुविधा भी उसे अस्थिर नहीं कर पाती। वो मोह और लोभ के वशीभूत होकर मायाजाल में और अधिक धंसता जाता है। वहाँ घनघोर अंधकार है, किंतु वो उसे प्रकाश समझने की भूल करता है। चतुर्दिक कृत्रिमता व्याप्त है, किंतु वो उसे सत्य मान लेता है। वो जिन सुखों से आह्लादित होता है, वे उसे आत्मदर्शन से अंततः वंचित कर देते हैं। जो मानव आत्मदर्शन नहीं करता, वो आत्मज्ञान नहीं कर पाता। आत्मज्ञानी का मायाजाल की मृग मरीचिका में एक दिन अतृप्तावस्था में भयावह अंत हो जाते हैं। भयावह अंत इसलिए कि उसकी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति संभव नहीं होती। हर जन्म में उसे इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। राजा जनक ऐसे भयावह अंत से बच गए। अष्टावक्र से उन्हें ये आत्मज्ञान प्राप्त हो गया कि मायाजाल की मृग मरीचिका से वो आत्मदर्शन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। आत्मज्ञान ने उन्हें तृप्ति अतृप्ति की भावनाओं से मुक्ति दिला दी। वह आत्मस्वरूप होकर आत्मदर्शन करने में पूर्णतः सफल हो गए। आत्मदर्शी मानव कभी मोह माया से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आत्मा इनसे सदैव निष्प्रभावित रहता है। स्वयं के आत्मा होने का विश्वास प्राप्त होते ही राजा जनक का मस्तिष्क विदामय हो गया और दृष्टि विस्तृत। वो स्पष्ट देख रहे थे कि अपना नया रूप जो आत्मस्वरूप था, वो स्वयं आत्मा बनकर अपने ही प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनसे ही विश्व विनिर्गत होकर जगमगा रहा था। उनसे ही निश्चित होकर कण कण भी आत्मस्वरूप हो गया। उनका आत्मस्वरूप अनवरत है, अनश्वर है। आत्मा बार बार मरता और जन्मता नहीं है। जिन्हें अपने आत्मा होने पर आस्था नहीं, वही बार बार मरते और जन्मते हैं। जन्म मरण मिथ्या है, सुख दुख की भावनाएँ काल्पनिक है। कुछ पाना या उसे गंवाना मन का भ्रम है। आत्मज्ञान के अभाव में मानव इन्हीं को सत्य की संज्ञा देता है। आत्मा ज्ञानी का अपने ही तन मन पर अधिकार नहीं होता। वो निष्प्रिय सा किसी कल्पित परमात्मा की इच्छाओं के सम्मुख सदैव नतमस्तक होता है। जबकि आत्मज्ञानी परमात्मा हो जाता है, अपना नियंता खुद हो जाता है, अपना भाग्य खुद डिसाइड करता है। आत्मा परमात्मा इच्छा आकांक्षाओं जीवन मरण सुख दुख तथा पाने गंवाने की भावनाओं से सर्वथा मुक्त होता है। अपने आप में पूर्ण एकमात्र और ब्रह्म आत्मा ही समस्त चराचर का मूलाधार है। आत्मा से जड़ जीवन जीव की उत्पत्ति हुई है। मेरा मूल ही आत्मा है, विश्व का मूल भी आत्मा है। मैं मूल में समाकर आत्मा स्वरूप होकर सदैव अस्तित्व में रहेगा, इसका अंत संभवत है। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, मैं आत्मज्ञानी होकर निर्द्वंद और संशयहीन हो गया हूँ। आत्मा को कैसा द्वंद या कैसा संशय, कैसा संदेह। जिस प्रकार मैं आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा में ही विलीन हो जाऊँगा, उसी प्रकार मुझसे पैदा हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाएगा। मूल एक होता है, किंतु उसके साक्षी स्वरूप अनेक। साक्षी स्वरूप आत्मा में होकर उसी प्रकार आत्मा में विलीन हो जाता है, जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण। अतः गुरुदेव, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी और निराकार हूँ। मेरा साकार होना केवल आत्मा का साक्षी स्वरूप है। साक्षी स्वरूप चूँकि आत्मा का साक्ष है, अतः उसे भौतिक संपदाओं का ललूप नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञानी होता भी नहीं है। आत्मा का भान होते ही वो ललुपता आदि भावनाओं से फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस सत्य की प्रतीति उसे तुष्ट कर देती है कि आत्मा से अनिर्गत होकर वो आत्मा को ही प्राप्त होता है। वो सदैव आत्मा है। इसे हृदयंगम करके मानव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो मुझे मेरा ही नमस्कार। यानी वो ये कह सकते थे कि अष्टावक्र जी को नमस्कार, लेकिन नहीं, वो मुझे मेरा ही नमस्कार, यानी अपने ही आपको ही नमस्कार, अपने ही आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो सच्चे ज्ञान में स्थित हो गए हैं, उनको सच्चा ज्ञान मिला है। जगत के नाश होने की स्थिति में ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत विनष्ट हो जाएंगे, किंतु मेरा नाश नहीं होता, यानी आत्मा का नाश नहीं होता। अब इसका डिटेल वर्णन जिन्होंने विवेचना किया है वो सुनते हैं। राजा जनक को आत्मस्वरूप का आभास हुआ तो उन्हें आत्मा के महत्व का बोध हो गया। वो आत्मा है
तो उनका नाश असंभव है। जगत का नाश हो सकता है किंतु आत्मा का नहीं। वो मैं सर्वकालिक हूँ, अभूत हूँ। आत्मा प्रत्येक जड़ जीवन में व्याप्त है। स्थूल देह जड़ और जीव का नाश हो सकता है किंतु आत्मा अक्षुण्ण रहती है। भले ही संपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो जाए किंतु आत्मा की नश्वरता को आज तक नहीं आती। सृष्टि का सृजन आत्मा से होता है और वो आत्मा में ही विलीन हो जाती है। आत्मा की अचक्षुण्णता बनी रहती है। ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की थी किंतु स्वयं ब्रह्मा भी आत्मा का साक्ष स्वरूप है। उसकी उत्पत्ति आत्मा से हुई है, अतः ब्रह्मा का भी नाश है होता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। किंतु आत्मा अविनाशी है। सृष्टि प्रलय में जलमग्न होकर विनष्ट हो सकती है पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। तो आप मेरे पुराण के वीडियोस भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे सही लिखा गया है। वो ना तो जलमग्न हो सकती है ना उसे वायु उड़ाकर ले जा सकती है। जल में भी आत्मा है, वायु में भी आत्मा है। आत्मा में पुनः सृष्टि विनिर्गत हो सकती है। अतः आत्मा से सृष्टि है, सृष्टि से आत्मा है। सृष्टि आत्मा दृश्य रूप है। दृश्य मिट सकता है, परिवर्तित हो सकता है किंतु आत्मा अदृश्य और अपरिवर्तनीय है। यानी आत्मा परमानेंट है और जो परमानेंट है वही परमात्मा है। सृष्टि का निर्माण किसी कल्पित परमात्मा ने नहीं अपितु सृष्टि में ही समाहित परमात्मा ने किया है। कल सृष्टि नहीं रहेगी लेकिन उसका मूलाधार आत्मा परमात्मा का अस्तित्व काल अवलित नहीं होगा। अपने ऐसे विलक्षण आत्मस्वरूप की प्रतीति होते ही राजा जनक आश्चर्यचकित होते हैं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, अतः मैं अविनाशी हूँ। भले ही प्रलय के समय सृष्टि नष्ट हो जाए, उसके साथ ब्रह्मा से लेकर त्रिन का भी चिन्ह शेष ना रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मेरा नाश नहीं होगा। अनादि से अनंत तक मेरा चिरस्थायित्व है। समस्त ब्रह्मांड एकमात्र मैं ही हूँ, श्रेष्ठ, परम, उत्तम, अनुपम और अतुलनीय। मेरे सम्मुख ऐसा कोई नहीं जिसको मैं नमन करूँ, अतः मैं स्वयं को ही नमस्कार करता हूँ। ऐसा विराट है आत्मा। जब आत्मज्ञानी का मैं आत्ममय हो जाता है तो वो भी विराट हो जाता है। उसके सम्मुख सब कुछ क्षीण, महत्वहीन और मूल्यहीन है। राजा जनक का आत्मबोध उन्हें अपने अंदर परमात्मा की प्रतीति करवाता है। राजा जनक अपने सत्ता आप हो जाते हैं। वे किसी काल्पनिक सत्ता के अधीन नहीं। उनके स्थूल शरीर का सृष्टि का भले ही नाश हो जाए, मैं आत्मा यानी नित्य है, अपरिहार्य है और ध्रुव सत्य है। ऐसा विराट रूप मैं को कौन नमस्कार नहीं करना चाहेगा, अतः मैं ही मैं को नमस्कार करता हूँ। अष्टावक्र के ब्रह्म ज्ञान से राजा जनक अभिभूत हो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य की अनुभूति होती है। ये है भी आश्चर्य का विषय कि प्रलय के समय जगत के नाश होने की स्थिति में ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सब कुछ का नाश हो सकता है किंतु मेरा नहीं। इससे आत्मा की विशालता तो सिद्ध होती है, ये धारणा भी मिथ्या सिद्ध होती है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है। अष्टावक्र की निश्चित धारणा है कि सृष्टि का रचयिता आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मा में भी आत्मा है। ब्रह्मा भी अमर नहीं है। आप मेरे मार्कंडेय पुराण के वीडियोज़ में देख सकते हैं। उस समय मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ रहा था तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष बताई गई है, कि जबकि वो अलग ग्रह पर रहते हैं तो वहाँ का समय अलग है। पृथ्वी का समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए ब्रह्मा भी आत्मा से उत्पन्न है। इस आत्मबोध से राजा जनक आत्मा का स्वरूप धारण करके मैं की महत्ता को स्वीकारते हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ। अनेक देहों में होते हुए भी मैं एक ही हूँ। मैं कहीं आता जाता नहीं किंतु संपूर्ण विश्व में अवस्थित हूँ। विवेचन। अष्टावक्र से आत्मबोध की प्राप्ति होते ही राजा जनक का मैं आत्मा का पर्याय हो जाता है। वैसे जैसे जैसे आत्मचिंतन करते हैं उनके आश्चर्य की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। उनका मैं बार बार अपना ही नमन करता है। राजा जनक को आश्चर्य इस बात का है कि संपूर्ण विश्व में केवल एक ही आत्मा व्याप्त है। जड़ जीव अनेक है, अनगिनत है, किंतु वे सब एक आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और उन सब में केवल एक ही आत्मा का वास है। आत्मा एक ही है, उसका केवल एक ही रूप है और ये रूप है निराकार और विराट।
आत्मा से पैदा हुआ जड़ जीव अत्यंत है, उनके रूप व आकार प्रकार भी अनंत है, वे साकार है, दृश्य है, किंतु उन सब में एक ही दृश्य अदृश्य आत्मा समाविष्ट है। एक आत्मा ने ही समस्त जीव जड़ को एक सूत्र में बांध रखा है। आत्मा और प्रत्येक जड़ जीव एक दूसरे में अंतर्निहित एकात्म है, उन्हें अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना पानी में डुबा सकता है, ना जला सकता है, ना गाड़ सकता है। आत्मा से उत्पन्न जड़ व जीव का स्थूल शरीर भले ही कट जाए, पानी में डूब जाए, जल जाए अथवा जमीन में गाड़ दिया जाए, उसकी आत्मा कल भी विद्यमान थी और आज भी है। जिस मानव को स्वयं में आत्मा की प्रतीति हो जाती है, वो बार बार कटने, डूबने, जलने और गड़ने से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सीता के पिता राजा जनक अष्टावक्र के उपदेश सुनकर इस सत्य से भली भांति अवगत हो जाते हैं। वो आत्मा स्वरूप आत्मामय हो जाते हैं, उनका मैं विराट आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। वो अपने नए स्वरूप से अभिभूत होते हैं और अष्टावक्र से कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, स्वयं का ही नमन करता हूँ। मैं एक होते हुए भी अनेक देहों समाहित हूँ, कहीं भी आता जाता नहीं, फिर भी संपूर्ण विश्व में अवस्थित हूँ। अष्टावक्र राजा जनक के कथन से सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा सर्वथा निश्चल, अडिग और गतिहीन है। ऐसी स्थिति में भी वो विश्व के ओर शोर में व्याप्त हैं। आत्मा एक है और यही एक आत्मा सब में समाई हुई है, उसी एक आत्मा से जुड़ा है विश्व जीव और जड़। राजा जनक कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, स्वयं को नमस्कार करता हूँ। विश्व में मुझ जैसा दक्ष कोई नहीं, मैं शरीर का स्पर्श नहीं करता, ऐसी स्थिति में भी विश्व को चिरकाल तक धारण करता हूँ। अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन विवेचना। आत्मा स्वयं में संपूर्ण है, अतः दक्ष व चतुर है। राजा जनक आत्मलीन होते ही आत्मा की प्रबलता को अपने अंदर में स्पष्ट अनुभूति करते हैं। वस्तुत मानव को अपने अंदर में आत्मा की अनुभूति के प्रति आस्था होने पर वो आत्मा स्वरूप हो जाता है। वो आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाता, ना ही आत्मा उसका स्पर्श करता है। आत्मा निराकार होता है और आत्मा स्वरूपी भी निराकार हो जाता है। आत्मा स्वरूपी विश्व में रहकर शारीरिक कार्यों का संपादन अवश्य करता है, किंतु शरीर में लीन नहीं होता, देह के प्रति मोहित नहीं होता। आत्मा की दक्षता यह है कि वो शरीर में है किंतु शरीर का स्पर्श नहीं करता, इस पर भी विश्व उसमें समाहित है। राजा जनक ने आत्मा ज्ञान होते ही ये दक्षता अपने अंदर अंतर में अनुभव की। उन्हें संपूर्ण विश्व आत्मा में दिखने लगा। सब कुछ आत्मा में संबद्ध, सब कुछ आत्मा से पिरोया हुआ, सब कुछ एक सूत्र में बंधा हुआ, मानो आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु आत्मा किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता, किसी का स्पर्श नहीं करता, केवल आत्मज्ञानी आत्मा की प्रतीति करता है। वही प्रतीति उसे स्वयं के आत्मा होने का भान करवाती है। आत्मज्ञानी को आत्मा की प्रतीति नहीं होती, उसमें भी आत्मा होता है, किंतु वो अपने अंतर में आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने में विफल होता है। उसे लगता है आत्मा कोई बाहरी वस्तु है, जबकि आत्मा अंदर बाहर सब जगत विद्यमान है। आत्मज्ञानी को लगता है मेरी सत्ता और आत्मा की सत्ता अलग अलग है, मैं अपने आप में संपूर्ण और समर्थ हूँ, अपने हाथ पैर और मस्तिष्क से जो चाहूँ करने में सक्षम हूँ, मरणोपरांत ही मेरे प्राण आत्मा बनकर नई योनि को प्राप्त होंगी। इस प्रकार वो नवीन देह धारण करता है, यानी नया शरीर धारण करता है, बार बार मरता है। उसे लगता है यही उसकी नियति है, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वस्तुत आत्मा अज्ञानी जीते जी मृत समान होता है, क्योंकि वो स्वयं को किसी अज्ञात अनजानी शक्ति का दास समझता है। परमात्मा के भय और कोप से सदैव असहज जीवन व्यतीत करता है, अपने प्रति ही दीनहीन और शंकालु हो जाता है। जबकि अष्टावक्र इस बात पर बल देते हैं कि तुम किसी अज्ञान अनजानी शक्ति के दास मत बनो, तुम्हें किसी अज्ञात और अनजाने परमात्मा के भय और कोप से असहज जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं पर विश्वास रखो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भुजाओं पर आस्था रखो, तुम ही परमात्मा हो। आत्मा सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। इस सत्य को जब तक निष्ठापूर्वक आत्मसात नहीं करोगे, तब तक मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। राजा जनक ने यह सत्य निष्ठापूर्वक आत्मसात किया और उनका मैं आत्मा बन गया, वे विशुद्ध परमात्मा बन गए। अपनी शक्ति और अपने दृष्टा वे आप थे, कोई अन्य नहीं था। वे अपने प्रकाश से अपने आप अलौकिक थे और
उनके प्रकाश से सारा विश्व आलोकित था। वो परवश नहीं थे, शवस थे। आत्मज्ञान पाकर राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, मेरे आश्चर्य का अंत नहीं, मुझसे महान कोई नहीं, अतः मैं स्वयं को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ खुद को ही, क्योंकि खुद के अंदर ही आत्मा है, तो उसी को नमस्कार है। इस विश्व में मुझसे दक्ष अन्य कोई नहीं, तभी मैं शरीर का स्पर्श किए बिना चिरकाल से विश्व को धारण करता हूँ। राजा जनक की इस शिकारोक्ति से सिद्ध होता है कि संपूर्ण विश्व आत्मामय है, आत्मा साकार है, निराकार व अदृश्य है, वो किसी का स्पर्श नहीं करता, इस पर भी विश्व को धारण कर रखा है, आत्मा है, आत्मा है, इसलिए विश्व है, विश्व नश्वर है, इसका अंत भी हो जाए तो आत्मा का अंत नहीं होता, विश्व पुनः अस्तित्व में आता है तो आत्मा से स्फूर्त होता है, आत्मा की सर्वव्यापकता असंदिग्ध है। राजा जनक कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ, स्वयं को ही नमन करता हूँ, किंचित मात्र भी मेरा नहीं, कुछ भी यहाँ पे मेरा नहीं, अथवा वाणी और मन से संबंध सर्व सब विषय मेरे हैं। विवरण, आत्मज्ञानी राजा जनक को आत्मा की प्रतीति होती है तो वो निरपेक्ष, निलोभी और निष्काम हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ उपलब्ध है, पर आत्मा को भौतिक उपलब्धियों से क्या लेना देना, आत्मा तो अपने आप में उपलब्धि है। आत्मज्ञानी और आत्मा अज्ञानी में यही भेद है। आत्मा अज्ञानी भौतिक उपलब्धियों को सर्वोत्तम मानता है, वो आजीवन ऐश्वर्य संपन्नता और सुख की कामनाओं का पीछा करता है। एक कामना पूरी होती है तो नई नई कामनाएं जन्म लेती है, वो कामनाओं के कारीगर से कभी बाहर नहीं निकल पाता, काम क्रोध और लोभ के तमोगुण से उसका मन व वाणी दूषित हो जाती है, किंतु वो इसे ही वास्तविकता जीवन मानता है। अधिक से अधिक उपलब्धियाँ पाना उसका एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। वो नहीं जानता कि इन कृतवृत्तियों से वो अपना यहलोक और परलोक नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। जो शरीर को महत्व देता है उसका मन व वाणी पर अधिकार नहीं रहता, मन उसे सतत उकसाता है, अधिक कामी और लोभी बनाता है, मन की विकलता से वो ईर्ष्यालु, संकालु और लालची बन जाता है, वो दूसरे का वैभव देखकर ईर्ष्या से दग्ध हो जाता है, उसे सदैव ये शंका रहती है कि सारी दुनिया उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, अधिक पाने की लालसा उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसकी वाणी पर दंभ और अहंकार का अधिकार हो जाता है, वाणी से जो भी शब्द निकलता है वो दंडोक्ति और अतिशयोक्ति से अधिक कुछ भी नहीं होता, वो एक और तो स्वयं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली मानता है, जबकि मानसिक रूप से स्वयं को अशक्त, कायर और परवश मानता है, क्योंकि वो परमात्मा नामक अन्य सत्ता की दया और कोप से सदैव आतंकित या आशंकित होता है। आत्मज्ञानी ऐसी जीवन शैली को हेय मानता है। राजा जनक का भाव जगत आत्मानुभूति से नवीन रूप धारण करता है, वो भौतिक उपलब्धियों से परे हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं, आत्मा कामना रहित होती है, देहधर्मी कामनाओं में आकंठ डूबा रहता है, लेकिन आत्मदर्शी नहीं डूबता, आत्मदर्शी अपनी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा हो जाता है, अपनी शक्ति और ऊर्जाओं से संपन्न, अपना अधिकारी आप, आत्मा के चैतन्य रूप से उनका शरीर संतृप्त हो जाता है, स्वयं के परमात्मा होने का भान उन्हें निर्भय और निशंक बना देता है, वो आत्मभूति से अभिभूत हो जाते हैं, दक्ष और समर्थ बन जाते हैं, उन्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। राजा जनक अपनी नवीन मानसिक अवस्था से अष्टावक्र को अवगत कराते हुए कहते हैं, मेरे आश्चर्य का पराभार नहीं, मैं स्वयं का नमन करता हूँ। देखिए तो जगत के लोग किस भांति सब कुछ झपटने को आतुर हैं, सब कुछ पाने की चाह में एक दूसरे से धोखा करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मन और वाणी के विषय से संबंध प्रत्येक वस्तु पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं। आपकी कृपा से मुझे आत्मज्ञान हो गया है, निस्संदेह मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा का कुछ नहीं है, आत्मा तो स्वयं सब में विद्यमान है, इसलिए सब कुछ आत्मा का है, वाणी और मन के समस्त विषय पर आत्मा अवस्थित है, अर्थात आत्मा का कुछ नहीं है, इस पर आत्मा का सब कुछ है। अष्टावक्र की
स्पष्ट मान्यता है कि मानव को अपनी शक्ति और ऊर्जा का भान होना चाहिए, अन्यथा वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा देगा। उसे स्वयं में आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए, तभी वो स्वयं की शक्ति और ऊर्जा से परिचित होता है। तभी उसमें भौतिक उपादानों के प्रति लोभ नहीं उपजता, वो आत्मबद्ध होकर निरपेक्ष, निरंजन, निर्लोभी और अपना परमात्मा खुद ही हो जाता है, अपना परमात्मा आप ही हो जाता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों की कोई वास्तविकता नहीं, ये तीनों अज्ञानी को ही सत्य प्रतीत होते हैं, जबकि मैं निर्दोष हूँ, निरंजन हूँ, राजा जनक कहते हैं। इसका मतलब है विवेचना, ज्ञान यानी जानकारी, ज्ञेय यानी जानने योग्य और ज्ञाता यानी जानकार, ये तीनों क्या है, ये सब एक दूसरे से असंबंध और विपरीत है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के विभिन्न रूप है, विविधाएं हैं और बहुआयाम है। एक ज्ञाता कहता है कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। दूसरा कहता है फल की इच्छा ही कर्म की प्रेरक शक्ति है। तीसरा ज्ञाता कहता है सांसारिक बंधन व्यर्थ है। चौथा ज्ञाता कहता है सांसारिक बंधन का निर्वाह मानव की सबसे बड़ी परीक्षा है। कल का ज्ञान आज निरर्थक है, आज का ज्ञान कल किसी के काम नहीं रहेगा। सच तो यह है कि कोई ज्ञान अंतिम नहीं, कोई ज्ञान सिद्ध नहीं। तभी तो विभिन्न मत और विचारधाराएं सदैव अस्तित्व में रही हैं। अष्टावक्र की दृष्टि में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की कोई वास्तविकता नहीं, वास्तविकता है तो एकमात्र आत्मा की। आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं, आत्मा स्वयं ज्ञान है। राजा जनक को आत्मबोध होता है तो वो ज्ञानमय, आत्मामय हो जाते हैं। ज्ञान पाने के लिए वही भटकता है जो आत्मा अज्ञानी होता है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया होता। आत्मा के साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा को आंखों से देखा जाए, वो तो निराकार है। आत्मा के साक्षात्कार का अर्थ है आत्मानुभूति, स्वयं को आत्मा मानने का आस्थामय विश्वास। राजा जनक को अष्टावक्र के विचार सुनकर स्वयं को आत्मा मानने का आस्थामय विश्वास हो गया। अब ना उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, ना ज्ञेय और ना ज्ञाता की। अब उनकी निश्चरता से अवगत हो जाते हैं। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य किसी ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के विभिन्न सत्य पर से उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि आत्मा के सत्य के अतिरिक्त कोई अंतिम सत्य नहीं। आत्मा अज्ञानी विभिन्न सत्य के पीछे भागता है, उसे कभी जीवन और मरण सत्य प्रतीत होता है तो कभी जीवन की निस्सरता को वो सत्य मान बैठता है। आयु के साथ उसके सत्य भी बदलते रहते हैं। वो वृद्धावस्था में वैराग्य को परम सत्य मानकर परमात्मा की तलाश करता है। अष्टावक्र की दृष्टि में जीवन निस्सार नहीं, मूल्यवान है और अर्थवान है, किंतु मानव आत्मा ज्ञान के अभाव में उसकी सार्थकता से परिचित नहीं हो पाता। वृद्धावस्था में वैराग्य धारण कर उसे परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने अंदर आत्मानुभूति करे तो उसे स्वयं के परमात्मा होने की प्रतीति होगी। तब ना उसे वैराग्य सताएगा और ना परमात्मा की खोज करने की आवश्यकता होगी। राजा जनक को स्वयं परमात्मा की खोज करने की निरर्थकता का भान हो चुका है, उन्हें अपना स्व परमात्मा प्रतीत हो रहा था। वे आत्मामय होकर इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ और मैं ही ज्ञाता हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञाता ज्ञा ज्ञान नहीं। मेरी दृष्टि में इनकी कोई यथार्थता नहीं, वास्तविकता नहीं। जो आत्मा स्वरूप नहीं अर्थात जो आत्मा अज्ञानी है, वही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता को वास्तविक और यथार्थ मानते हैं। वही भ्रमग्रस्त होकर कभी इस ज्ञाता के पास दौड़ता है, कभी उस ज्ञाता के पास। विभिन्न और विपरीत ज्ञान के चक्रव्यूह में वो कोई अन्य भ्रमों का शिकार होता है। राजा जनक को कोई भ्रम नहीं, क्योंकि वो आत्मा से परिचित हो गए हैं। उन्हें अब किसी अन्य ज्ञान से परिचित होने की इच्छा नहीं है। आत्मा इच्छा रहित होती है, आत्मा स्वयं में इच्छा है, आत्मा स्वयं ज्ञान है। वो अष्टावक्र से आत्मज्ञान के पश्चात अपनी नई अवस्था से उन्हें परिचित करवाते हैं। जब मैं आत्मा अज्ञानी था तो ज्ञान की अज्ञाता वास्तविक प्रतीत होते थे, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ तो इनकी अवास्तविकता का मुझे भान हुआ। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता में दोष हो सकते हैं किंतु आत्मा में नहीं, अतः मैं निर्दोष हूँ, निरंजन हूँ, दोषों से मुक्त और अलिप्त। राजा जनक के इस कथन से अष्टावक्र ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा समस्त ज्ञानों से ऊपर है। ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता में त्रुटि हो सकती है, पर आत्मा त्रुटिविहीन है।
इसलिए निर्दोष है निरंजन है, और जो निरंजन है वही ज्ञान और ज्ञाता है, जो अनात्मा है वो अनिरंजन है, और भ्रामक ज्ञान ज्ञाता के पीछे भटकता है और अपनी ऊर्जाएं और शक्तियाँ गवा कर कृत्रिम जीवन जीता है, बनावटी जीवन जीता है। रजनक कहते हैं द्वेत ही दुख का मूल है, इसकी कोई औषधि नहीं, दृष्टिगोचर होने वाला दृश्य मिथ्या है, मैं ही एक अद्वितीय और चिन्मात्र हूँ। मैं का मतलब आत्मा है यहाँ पे, ठीक है। विवेचना का डिस्क्रिप्शन ये भी पढ़ते हैं, विश्व में व्याप्त सुख दुख कुछ भी नहीं, मात्र भ्रांति और भ्रम है। जो द्वैत की परिकल्पना में डूबे होते हैं उन्हें ही दुखों के भ्रम सताते हैं। द्वैत की अवधारणा की भ्रामक है, द्वैतवाद का सिद्धांत मानव और आत्मा की सत्ता पृथक को मानता है। आत्मा और मानव में अलगाव करने का प्रयास ही दुखों का मूल है। मानव जब स्वयं आत्मा से अलग होकर देखता है तो उसे स्व पर विश्वास नहीं रहता, उसका स्व खंडित हो जाता है, वो अपनी ऊर्जा और शक्तियों का उचित उपयोग नहीं कर पाता, वो मृत्यु से भयभीत होता है, परमात्मा के कोप की कोरी कल्पनाओं से सतत उद्विग्न रहता है, परमात्मा की दया दृष्टि पाने के लिए वो निरर्थक साधनाएं करता है, समाधियां लगाता है। द्वैत उसे इस सत्य की प्रतीति ही नहीं होने देता कि वही आत्मा है, वही परमात्मा है, इसका दृष्टा कोई अन्य नहीं, वही अपना दृष्टा खुद है। उसे परमात्मा की इच्छाओं पर जीने की विवशता झेलने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी इच्छाओं का स्वामी खुद है, अपना परमात्मा खुद है, और आत्मभूति होते ही वो समस्त दुखों से निवृत्त हो जाता है। राजा जनक की भी समस्त दुखों से निवृत्त हो चुकी है, क्योंकि आत्मानुभूति से उसका स्व आत्मामय हो गया है। उन्हें इस सत्य का भलीभांति भान हो गया है कि द्वैत की भ्रामक अवधारणा ही सारे दुखों का आभार है, इनसे मुक्त होने की कोई औषधि नहीं, बस अद्वैत के सिद्धांत पर विश्वास लाओ, आत्मा की स्व में प्रतीति करो, तुम्हारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अद्वैत की अवधारणा में सुख दुख का कोई अस्तित्व नहीं, उसमें सिर्फ आनंद और उच्छा है। आत्मा की प्रतीति तुम्हें स्वतंत्रता और स्वामित्व प्रदान करती है, तुम्हें किसी असत्य सत्ता के स्वतंत्रता अथवा स्वामित्व में नहीं जीते। आत्मा स्वरूप होकर तुम निरपेक्षता के भान से इच्छा रहित और निरंजन होते हो, निर्दोष होते हो। इच्छा रहित और निरंजन आत्मा दुख कष्ट मोह माया और काम जैसे भावों से परे होती है। ऐसे भाव उस मानव को सालते हैं जो इंद्रियों के वश में जीते हैं, उन्हें ही ये सारे दुख मोह माया कष्ट सताते हैं। आत्मानुभूति करने वाला जितेंद्रिय होता है, राजा जनक इंद्रिय जीत है, क्योंकि उन्होंने स्व की आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। स्व मतलब खुद की, वो देहधारी होते हुए भी सर्वांग आत्मा है, आत्मा थे, विदेह थे, आत्मा स्वरूप। राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं अब मैं जान गया हूँ कि दुख क्यों होता है, वस्तु द्वैत भाव ही दुखों का मूल है और इसके उपचार की कोई औषधि नहीं, बस अद्वैत भावों के अनुसरण से इसका उपचार संभव है। मुझे अब भान हो चुका है कि जगत मिथ्या है, मैं अर्थात आत्मा सत्य है, ये जो दृश्य नजर आ रहे हैं सब भ्रामक है, निराकार आत्मा ही परम सत्य है, मैं अर्थात आत्मा ही अद्वितीय और चिन्मात्र है। इस कथन से सिद्ध होता है कि यदि मानव आत्मा स्वरूप को पहचान ले तो उसके जीने का ढंग सहज हो जाएगा, उसके हृदय में निष्कपट और निष्काम की भावना घर कर जाएगी। अद्वैत भाव के कारण ही वो प्रपंचाओं का शिकार हो जाता है और विषय भोगों की ओर में मन वचन से पतित हो जाता है। अद्वैत भाव उसे इस सत्य से परिचित ही नहीं होने देता कि समस्त जीव जगत एक ही आत्मा से संबंध और एक ही सूत्र में पिराए हुए हैं। आत्मा से अलगाव की कल्पना से मानव दुखों और कष्टों को अनवरत सहता है। स्वयं में आत्मा परमात्मा की प्रतीति उसे अद्वितीय बना देती है, क्योंकि आत्मा और मानव एक ही है। आत्मा विषय भोग से अलिप्त है, अतः मानव को भी भोग विलास के प्रति मोह नहीं रह पाता, ये निर्मोह उसे समस्त दुखों से मुक्त कर देता है। राजा जनक कहते हैं मैं बोध मात्र हूँ, ठीक है, मतलब मैं एहसास हूँ, बोध हूँ, अज्ञानता बस ही मैंने उपाधि की कल्पना की है, किंतु नित्य विचार करके मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। अब इसका डिस्क्रिप्शन विवेचना, राजा जनक को स्वयं के बोध होने का विश्वास हो गया तो उनका काल्पनिक भाव जगत पलक झपकते ही तिरोहित हो गया, चला गया। बोध एकमात्र है, बोधत्व से ही संपूर्ण सृष्टि जुड़ी हुई है, समस्त जीव जड़ आत्मा का साक्षी है, चैतन्य रूप है, बोध है।
जड़ जीव को आत्मा से असंबंध करना ही असत्य को अंगीकार करना है। असत्य मानव को वास्तविकताओं से कभी परिचित नहीं होने देता। वो सबको अलग अलग रूप में देखता है और स्वयं को सबसे अलग अलग करके अकेला हो जाता है। अकेला मानव एकत्व और पूर्णत्व का बोध नहीं कर पाता। उसका अकेलापन उसे शक्तिहीन कर देता है। वो अपने आत्मबल से विस्मित हो जाता है। शारीरिक शक्ति ही उसे वास्तविक शक्ति प्रतीत होती है। शरीर की देखभाल और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति उसका एकमात्र ध्येय बन जाता है, संकल्प बन जाता है। प्रत्येक अकेला मानव दूसरे मानव को संदिग्ध मानता है। उसे लगता है कि सारा जगत उसका शत्रु है, सब उसकी प्रगति में बाधक हैं, सब उसे ईर्ष्या करते हैं और सब उसे लूटना चाहते हैं। वस्तुतः अकेला मानव स्वयं आप सबसे घृणा, ईर्ष्या और शत्रुता करता है। वो किसी की प्रगति सहन नहीं कर सकता। दूसरों की अर्जित उपलब्धियों को लूटने खसोटने के षड्यंत्र रचता है। दूसरों को धोखा देने से भी नहीं चूकता। आत्मबोध होते ही राजा जनक अकेले नहीं रह जाते हैं। स्वयं को आत्मा मानते ही उन्हें इस विराट सत्य का भान होता है कि संपूर्ण सृष्टि आत्मा से निश्रित है। सृष्टि के जड़ जीव आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये सृष्टि के सारे जड़ जीव आत्मा हैं। सब कुछ आत्मामय है, अतः सब कुछ एकत्व में समाहित है। मैं अकेला नहीं, मुझसे सृष्टि है और सृष्टि मैं हूँ। आत्मा से अलगाव की भावना ही मानव को दिग्भ्रमित करती है। वो सोचता है कि आत्मा का अस्तित्व बाहर होता है, जबकि आत्मा उसके अंदर भी होती है, बल्कि वो स्वयं आत्मा होता है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता कि वो परमात्मा स्वरूप है, अपना विधाता खुद ही है। वो परमात्मा को असीम शक्ति मानता है। वो ये तो मानता है कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, किंतु वो अपना परमात्मा खुद है, अपना परमात्मा आप है, इस तथ्य से अनभिज्ञ होता है, इस तत्व को नहीं जानता। इस भ्रांति में उसे सृष्टि एक सूत्र में बंधी नहीं दिखती। सब कुछ विविधता से परिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। वो सबको विविध नामों और उपाधियों से अलंकृत करता है। ये भूल जाता है कि नाम और औषधि या सुविधाओं के लिए विस्तृत की गई है। नाम और उपाधियां जड़ जीवन एक दूसरे से असंबंध नहीं हो जाते। वे एक ही आत्मा से आबद्ध है, अतः एक ही आत्मा स्वरूप है। उनकी भिन्नता उनके नाम व उपाधियां मिथ्या है। उनका एकात्मा होना परम सत्य है। राजा जनक अष्टावक्र की कृपा से इस सत्य से परिचित हो चुके हैं कि ये जो विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है वस्तुत अभिन्न है। मानव आत्मा ज्ञान के कारण ही सांसारिक दृश्यों और उपाधियों को देखकर सुनकर सोचता है कि सब सबसे अलग और अनेक रूपी है। अष्टावक्र कहते हैं, अलग अब और अनेकता को उसी रूप में देखना भ्रांति है। अलगाव और अनेकता में एकत्व और एकात्म है। आत्मा से विनिर्गत सृष्टि अलग और अनेक कैसे हो सकती है? सब आत्मा स्वरूप में समाहित है और उनका एक ही रूप है। राजा जनक की भ्रांति टूटती है। वो स्वयं को आत्मा का चैतन्य स्वरूप मानते हैं। अष्टावक्र को अपने नवीन स्वरूप में बताते हुए वो कहते हैं, मैं बोध मात्र हूँ, बोध से इतर कुछ नहीं। ये समस्त सृष्टि बोध है और मैं उसी बोध का अभिन्न भाग हूँ। स्व के बोध का भान होते ही मुझे यह स्वीकार करते तनिक भी विचलन नहीं कि मैं अब तक आत्मज्ञान के अभाव से भ्रांतियों में जी रहा था। मैं मात्र शरीर नहीं था, शरीर को आत्मा का साक्षी स्वरूप था। वस्तुत मैं आत्मा हूँ, मैं ही बोध हूँ। अज्ञान बोध ही मैंने देह को सत्य मान लिया। नामों और उपाधियों को ही महत्व देकर सबको अलग 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 थलग मानता था और स्वयं को भी सबसे अलग थलग मानता था। आज आपकी कृपा से ज्ञान हुआ कि सब आत्मामय है, बोधमय है। मैं बोध हूँ, उपाधि नहीं। इसका निरंतर विचार करने से मैं निर्विकल्प हो गया हूँ। मेरा कोई विकल्प नहीं, मेरा कोई पर्याय नहीं। मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं विशुद्ध बोध हूँ। मेरा नाम या उपाधि बोध का पर्याय या विकल्प नहीं हो सकते। मेरे बोध ने मुझे निर्विकल्प बना दिया है। राजा जनक के इस कथन से ये सिद्ध होता है कि आत्मा का कोई विकल्प नहीं, आत्मा किसी विभिन्नता का विकल्प नहीं हो सकती। आत्मा अखंडित है और सृष्टि उससे जुड़ी हुई अखंडित है, अतः आत्मा सर्वथा निर्विकल्प है। राजा जनक कहते हैं, ये कैसा आश्चर्य है कि मुझ में स्थित विश्व वस्तुत मुझ में स्थित नहीं। अतः ना मैं बंधन में हूँ और ना मोक्ष का
आकांक्षी, मैं निरश्रय हूँ, शांत हूँ, भ्रांति से मुक्त हूँ। विवेचना, राजा जनक को बोध हो चुका है कि वो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा किसी के आश्रय में नहीं रहता, अतः राजा जनक भी निरश्रित होकर सारी भ्रांतियों से मुक्त कर मुक्ति पाते हैं और उनका चंचल चित्त शांत पड़ जाता है। यह सत्य है कि राजा जनक को प्रतीति है कि विश्व मुझसे ही मुझसे है और मैं विश्व में हूँ। मुझ में निसंदेह विश्व स्थित है, पर वो वस्तु स्थित नहीं है। अर्थात राजा जनक में विश्व अवश्य स्थित है, किंतु वो विश्व के मोह माया से बंधे हुए नहीं है। उन्हें विश्व के प्रलोभन अब नहीं सता रहे, वस्तुत विश्व के प्रलोभन आत्मा अज्ञानी को ही सताते हैं। वो विश्व को अपने में स्थित नहीं पाता, उन्हें ब्रह्म विश्व के मोह माया और लोभ जकड़ लेते हैं। उनके बंधन से वो कभी मुक्त नहीं होता। आने वाला प्रत्येक नया दिन उसे अधिक ललुप कामुक और ईर्ष्यालु बनाता है। प्रत्येक दिन इनका बंधन कसता जाता है और अंत में वो अपनी अनंत कामनाओं और शुद्धाओं से उब जाता है। एकाएक बंधन मुक्त हो जाता है। मोक्ष की लालसा में कर्तव्य से विमुख होकर वैराग्य धारण करता है। राजा जनक के मन में मोक्ष प्राप्ति व वैराग्य धारण की इच्छा जागृत नहीं होती। उन्हें स्वयं के आत्मा और परमात्मा होने की प्रतीति हो चुकी है। ये सत्य उनके सामने प्रकट हो चुका है कि उनका दृश्य स्वरूप, उनका नाम, उनकी समान उपाधि आत्मा का चैतन्य और शक्ति स्वरूप है। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए वैराग्य धारण कर वन प्रांतरों में जाने की आवश्यकता नहीं। वो आत्मा है, उनमें विश्व समाहित है, किंतु उनमें ब्रह्म विश्व की भी संगति या लेश मात्र भी स्थित नहीं। मोह लोभ और वैश्विक विसंगतियों का मिथ्या मायाजाल नहीं रहा तो राजा जनक बंधनहीन हो गए। जब कोई बंधन नहीं रहा तो मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं रही। अर्थात जो आत्मा अज्ञानी मोक्ष की आकांक्षा में वैराग्य धारण करते हैं और पर्वतों तथा वनों में जाकर कष्टकारी साधनाओं और तपस्याओं का अवलंबन कर लेते हैं वे वस्तुत मोह लोभ और विसंगतियों के माया जाल के बंधन से अंत तक मुक्त नहीं हो पाते। वस्तुत उन्हें मात्र स्वयं में आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए, तदुपरांत ना कोई बंधन रहेगा और ना मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा। आत्मा की प्रतीति करते ही राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि मुझ में विश्व स्थित होते हुए विश्व स्थित नहीं है। अब मुझे विश्व के भौतिक उपादानों और सुख सुविधाओं की चाह नहीं रही। ये सब देह की आवश्यकताएं हैं। मैं आत्मा स्वरूप हूँ, बोध हूँ, और आत्मा व बोध वैदिक आवश्यकताओं से मुक्त होती है। मैं आवश्यकताओं के बंधन से जकड़ा हुआ नहीं हूँ, अतः मुझे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं। परमात्मा बंधन मुक्त होता है, उसे भला मोक्ष प्राप्ति की कैसी इच्छा। आत्मा को मोक्ष की इच्छा नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, परम प्लस आत्मा हूँ, यानी परमात्मा मोक्ष सिद्ध हूँ मैं। मुझे किसी आश्रय और सहारे की आवश्यकता नहीं है। मैं निरश्रय हूँ, मेरी सारी भ्रांतियों का विनाश हो चुका है, अतः मैं परम शांत हूँ। राजा जनक की इस स्वीकारोक्ति पर अष्टावक्र इस सत्य को रेखांकित करना चाहते हैं कि जो आत्मा अज्ञानी आश्रय और सहारे खोजता फिरता है, उसे खुद पर विश्वास नहीं होता, स्व पर विश्वास नहीं होता। वो स्व यानी खुद की शक्तियों से अनभिज्ञ होता है, नित्य भ्रांतियों में जीने पर विवश होता है। ये भ्रांतियाँ क्या है? देह को प्रमुखता देना, आत्मा की प्रतीति ना करना, भौतिक उपलब्धियों की चाह करना, मोक्ष की कामना करना, कृत्रिम परमात्मा की तलाश में भटकना, मतलब बनावटी परमात्मा की तलाश में भटकना, खुद के अंदर जो परमात्मा है उसका ज्ञान ना होना। अष्टावक्र का एकमात्र कथन यही है कि परमात्मा की तलाश में भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने परमात्मा खुद हो। ये मत सोचो कि तुम मरणोपरांत आत्मा बनोगे, मरने के बाद आत्मा बनोगे। आत्मा तो सदैव तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा स्वरूप हो। ये सत्य जिसने पा लिया वो बंधन मुक्त हो जाता है, ना बार बार जन्म लेता है, ना बार बार मरता है, वो मोक्ष सिद्ध हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, निश्चित रूप से शरीर सहित इस विश्व का किंचित भी अर्थ नहीं, ये विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई अन्य कल्पना नहीं की जा सकती। अब विवेचना, डिस्क्रिप्शन। राजा जनक के आत्मस्वरूप को इस सत्य का दर्शन हो जाता है कि शरीर सहित इस विश्व का सारा तनाबान निरर्थक है, ना शरीर का महत्व है और ना विश्व का, सब कुछ मिथ्या व भ्रम है। आत्मज्ञान के अभाव में लोग मिथ्या और भ्रमों को सत्य मान बैठे हैं। उन्हें शरीर और आत्मा ही सर्वोपरि दृष्टिगोचर होती है। वो अपनी शारीरिक इच्छाओं का पोषण करते हैं, विश्व के मायावी तनों ताने बाने में उलझते हैं। वस्तुत विश्व के दृश्य रूप का कोई
अर्थ नहीं, ये शरीर निरर्थक है। राजा जनक को अष्टावक्र के उपदेशों से विदित होता है कि विश्व और शरीर और कुछ नहीं, मात्र आत्मा के साक्षी स्वरूप हैं। शरीर अथवा विश्व से सम्मोहित होने के स्थान पर यदि यह स्मरण रखा जाए कि आत्मा सर्वोपरि है, तो ज्ञात होगा कि शरीर व विश्व आत्मा की उत्पत्ति है और एक दूसरे से पृथक नहीं। आत्मा की उत्पत्ति होने के कारण वे भी आत्मा स्वरूप हैं, अतः आत्मा की भांति इच्छाहीनता ही मानव की नियति है। राजा जनक सारी इच्छाओं से रहित हो गए, उन्हें विश्व की निश्चलता का भली भांति ज्ञान हो गया। उनमें विश्व भले ही स्थित था, किंतु वो विश्व की बाह्य चकाचौंध से प्रवाहित नहीं होते। शरीर सहित ये विश्व निसंदेह निरर्थक हैं। वस्तु शरीर सहित विश्व है क्या? क्या शरीर का रखरखाव और आनंद भोग ही सत्य है? क्या विश्व के पदार्थों में ही सत्य विद्यमान है? क्या पदार्थों की प्राप्ति में ही शरीर की सार्थकता है? नहीं, शरीर सहित विश्व शुद्ध चिन्मात्र आत्मा है। आत्मा का चैतन्य रूप है, आत्मा निराकार है, और शरीर सहित विश्व निराकार आत्मा का साकार स्वरूप है। आत्मा से ही सृजित यह शरीर सहित विश्व वस्तुत विशुद्ध आत्मा ही है। आत्मा से अलग इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। राजा जनक को जब बोध हो गया, जब उन्हें स्वयं के चैतन्य का भान हो गया, तो आत्मा से पृथक अपनी कल्पना नहीं कर सके। वे विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा हो गए। सशरीर विश्व विशुद्ध आत्मा का मात्र चैतन्य स्वरूप है। वो अष्टावक्र से कहते हैं, बोध की प्रतीति होते ही शरीर व विश्व की निरर्थकता से मैं परिचित हो चुका हूँ। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि शरीर सहित यह विश्व सब कुछ नहीं है। इसका आत्मा से अलग कोई स्वरूप नहीं, वरन यह आत्मा से ही अभिन्न रूप से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त शरीर सहित विश्व का कोई और अर्थ नहीं है कि यह आत्मा का चिन्ह मात्र है, मात्र चेतना स्वरूप है। इससे अधिक इसकी कल्पना की नहीं जा सकती। अष्टावक्र राजा जनक की उक्ति के तो राजा जनक कहते, शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष तथा भय कल्पना मात्र है। इस शरीर में सन्निहित चिन्मात्रा का इन सब से क्या संबंध है? शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष ये सब कल्पना मात्र है। दोस्तों, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद विवेचना, कुछ शास्त्रों में शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष और भय आदि अवधारणाओं की परिकल्पना की गई है, जिनका वास्तविक मूल्य से कोई संबंध नहीं। ऐसे शास्त्र आत्मिक सत्ता के स्थान पर शारीरिक सत्ता को महत्व देते हैं, बल्कि दोनों सत्ताओं के पृथक अस्तित्व को सत्य मानते हैं। उनका मानना है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों में कहीं स्वर्ग व नरक अवस्थित है, जहाँ मर्त्यलोक के प्राणी पाप या पुण्य के प्रभाव वश पहुँचते हैं। तदुपरांत जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए मोक्ष की परिकल्पना करते हैं। उन्हें सदैव परमात्मा का भय सताता रहता है। अष्टावक्र की दृष्टि में इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी स्वर्ग और नरक आकाश में कहीं नहीं है, जो भी है यही है। ये कोई कल्पनाओं के केवल पिटारे मात्र है। आत्मज्ञान के अभाव में मानव शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष तथा भय को वास्तविक मान लेता है, और यहीं से अपनी शक्तियों व नीच प्रकाश से आंखें मूंद लेता है। मतलब स्वर्ग और नरक हैं भी, लेकिन जो अपने आप को आत्मा मानता है वो वहाँ पर नहीं पहुँचता, उनकी मुक्ति हो जाती है। इच्छा और अभिलाषाओं का बंधन उस पर हावी हो जाते हैं। निरंतर अपकर्म करता है, अपने पापों को याद कर स्वर्ग नरक की कल्पना करता है। मोक्ष की इस इच्छा से सत्कर्म करता है। सत्कर्म भी कैसे? वो दान देता है, मंदिरों में भक्तिभाव से जाता है, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा में तप व साधना करता है, पर उसे तथाकथित मोक्ष ही नहीं मिलता। वो मरण के चक्र में सदैव फंसा रहता है। वो सोचता है परमात्मा उसे जिस स्थिति में रखेगा उसी में जीवित रहना उसकी विवशता है। जबकि आत्मज्ञानी अपने आप में आत्मा की प्रतीति करता है, स्वयं को परमात्मा के रूप में देखता है। वो किसी काल्पनिक परमात्मा की दया के सहारे जीवित नहीं रहता। वो शारीरिक सत्ता और आत्मिक सत्ता को एकांकर कर लेता है, आत्मामय हो जाता है। अपनी नियति आप निर्धारित करता है। शरीर और विश्व के प्रति उसे कोई मोह नहीं रह जाता। सृष्टि के समस्त जड़ और चेतन आत्मा में समाकर आत्मा हो जाता है। आत्मा के अतिरिक्त आत्मज्ञानी को और कुछ नहीं दिखता। वो कल्पना करता है तो मात्र आत्मा की, न शरीर न स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष तथा भय की कल्पना नहीं करता, खाली आत्मा की कल्पना करता है। राजा जनक को अष्टावक्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो ब्रह्म रूप को प्राप्त हो गए, आत्मलीन हो गए, आत्मा बन गए। उनको भली भांति भान हो गया कि उनका दृश्य रूप या उनका साकार रूप निराकार आत्मा का चैतन्य स्वरूप है, अतः वो इंद्रजीत बन गए, निर्भय और निमग्न
हो गए, निशंक से और प्रशांत हो गए। वो अष्टावक्र से कहते हैं, आपकी कृपा से मुझे सत्य की अनुभूति हो गई है कि आत्मा परम सत्य है, शरीर स्वर्ग नर्क बंधन मोक्ष और भय की अवधारणा सर्वदा काल्पनिक है, यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं। यथार्थ तो आत्मा है, जो मैं हूँ मुझ चिन्मात्मा का इन काल्पनिक अवधारणाओं से क्या संबंध। राजा जनक के इस कथन से आत्मा के महत्व पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। जिससे आत्मस्वरूप का भान हो जाता है वह निष्प्रकाश से आलोकित हो जाता है। सूर्य का आलोक भी निष्प्रकाश के सम्मुख हीन और पराभुक्त है। आत्मा की प्रतीति से वो दृष्टा हो जाता है। वो किसी काल्पनिक दृष्टा के भरोसे नहीं जीता। विश्व और शरीर के सम्मोहन उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। उसे यही स्वर्ग और मोक्ष जैसी विधियाँ मिल जाती है, जबकि आत्माज्ञानी यही पर शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष और भय से पीड़ित रहता है। आत्माज्ञानी आत्मस्वरूप हो जाता है तो उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसका तो इन भ्रामक और काल्पनिक अवधारणाओं से कुछ लेना देना नहीं। वह आत्मा होकर विराट और असीम हो गया है। आत्मा की भांति सर्वत्र व्याप्त है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य तो यह है कि जन समूह में भी मुझ देत का दर्शन नहीं होता। मेरी दृष्टि में जन समूह अरण्यवत हो गया है, अतः किससे प्रीति रखूं। कल तक राजा जनक शरीर थे, विश्व और विश्व के पदार्थ उनके मुंह में लगते थे, सुख दुख की अनुभूतियाँ उन्हें आविहित करती थी, स्वजन परजन के भेद करते थे, उनमें भी घृणा और प्रीति की भावनाएं थी। वे अहंकार स्वार्थ स्वार्थ से आक्रांत थे। आत्मज्ञान होते ही वो पलक झपकते समस्त भावनाओं और दुर्भावनाओं से मुक्त हो गए। सामने वही कल का विश्व था। विश्व के चतुर्दिक मोह पदार्थ की आज भी कमी नहीं थी। सुख दुख की अनुभूतियाँ, सजन परजन, अपने लोग पराय लोग, भेद घृणा प्रीति स्वार्थ और अहंकार का आज भी बलबोला था, किंतु राजा जनक सबसे तथस्थ हो गए थे। तमोगुण रजोगुण सतोगुण का चिरकाल से अस्तित्व रहा है, किंतु आत्मज्ञानी इनसे कभी संपृक्त नहीं होते, इनमें से नहीं जुड़ते किसी में। आत्मज्ञानी का निजत्व आत्मा में समाहित होकर आत्मा का अंग बन जाता है। उसे समस्त विश्व विश्व का जनसमूह एक ही आत्मा में सृजित, एक ही आत्मा में पिरोया हुआ प्रतीत होता है। वह द्वैतवादियों की भांति शरीर विश्व और आत्मा की पृथक सत्ताओं में विश्वास नहीं रखता। सब में आत्मा है, आत्मा में सब है, आत्मा से अलग कुछ नहीं। अतः जड़ चेतन एक सूत्र में आबद्ध एक आत्मा ही है। आत्मा अज्ञान से पीड़ित मानव सदैव भावनाओं दुर्भावनाओं से घिरा रहता है। प्रीति शत्रुता सुख दुख ईर्ष्या षड्यंत्र स्वजन परजन के सीमित भाव जगत में कैद होकर वो आत्मा को बाह्य जगत की कोई विचित्र वस्तु समझने की भूल करता है। राजा जनक इस भूल से स्वयं को अलग कर चुके थे। उन्हें स्व की आत्मा के दर्शन हो चुके थे। विश्व के पदार्थ शरीर सुख दुख ईर्ष्या षड्यंत्र अपने स्थान पर थे, किंतु इनसे वो असंबंध और असंपृक्त थे। विश्व में क्या है, भला है या बुरा, इनसे राजा जनक को कोई प्रयोजन नहीं था। वो सांसारिक होते हुए भी असांसारिक हो गए। विश्व उनसे स्थित था, किंतु वो विश्व की भावनाएं दुर्भावनाओं को चित्त में स्थान नहीं देते। उनकी दृष्टि विभेद करना नहीं जानती। वो तो जड़ चेतन और आत्मा को संयुक्त रूप में देखती थी। वो नहीं मानते कि वृक्ष में पृथक आत्मा है तो गाय और मानव में पृथक, सभी एक ही आत्मा के पृथक और साकार रूप होते हुए भी एक आत्मा में समाये हुए एक आत्मा ही है। आत्मज्ञान होने के उपरांत राजा जनक में ये जो नया सोच उत्पन्न हुआ, उसकी स्वीकारोक्ति अष्टावक्र से यूं करते हैं, आपके विचारों से मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। आश्चर्य तो यह है कि जनसमूह में भी मुझे कहीं द्वैत नजर नहीं आता, अर्थात जनसमूह में मैं जन जन को अलग रूप में देखने में असमर्थ हूँ। मुझे संपूर्ण जनसमूह एक ही रूप में दिखता है, एक ही आत्मा में समाहित, एक ही आत्मा के सूत्र में पिरोया हुआ एक ही रूप। आत्मा से निष्प्रिय ये जनसमूह आत्मा से पृथक हो भी तो नहीं सकता। जनसमूह और आत्मा अद्वैत है, द्वैत होने का भान मिथ्या है। जनसमूहों का अस्तित्व मेरी दृष्टि में अरण्यवत हो गया है, अतः मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे प्रीति करूं। इससे स्पष्ट है कि आत्मा ना प्रीति करती है ना अप्रीति, ना प्यार करता है ना नफरत। प्रीति अप्रीति का भाव देहधर्मियों के व्यवहार में अवश्य दृष्टिगोचर होता है। ये प्रीति अप्रीति ही उन्हें सांसारिक मोह माया में उलझाती है। ऐसे ही लोगों को
जन समूहों का जन जन पृथक प्रतीत होते हैं और वे स्वयं में आत्मानुभूति करने में असमर्थ होते हैं। सर्वत्र उन्हें द्वैतानुभूति होती है। अष्टावक्र राजा जनक के कथन के माध्यम से अद्वैत ही सार्थकता को चिन्हित करते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि सुख दुख से मुक्त होने की अनुभूति ही मोक्ष है। मोक्ष के लिए जप तप या साधना के आयोजन करना निरर्थक है। यदि मानव स्वयं को आत्मा का अनभिन्न रूप मान ले तो वो सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी सांसारिक मोहमाया से निर्लिप्त रहता है, जुड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे राजा जनक में विश्व स्थित है किंतु उनमें विश्व इसलिए स्थित नहीं है क्योंकि वे विश्व के पदार्थों से संपूर्ण जड़ चेतन से जुड़ जाते हैं। राजा जनक कहते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी कोई शरीर नहीं है, ना ही मैं जीव हूँ। निस्संदेह मैं मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी जीवित रहने की स्प्रिया ही मेरा बंधन है। निस्संदेह जीवित रहने की इच्छा मानव के पतन का एकमात्र कारण है। जीवित रहने की इच्छा ही उसे अपकर्म करने को बाध्य करती है। वह भौतिक प्रतिद्वंद्वी की दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। वो सर्वाधिक समता संपन्नता पाना चाहता है। धन पद और गौरव की ललुपता में उसे कोई भी कर्म कुकर्म करने में हिचक नहीं होती। जीवित रहने की लालसा के बंधन में अंततोगत वो स्वयं को स्वयं द्वारा कैद कर लेता है। जीवन की वास्तविकताओं सच्चाइयों से उसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो अपनी सच्चाई से भी अनभिज्ञ होता है। उसे लगता है कि वो पंच तत्व पृथ्वी वायु अग्नि जल और आकाश से निर्मित साकार पुतला है, शरीर है, जो परमात्मा के संकेतों पर नाचता है। वो जानता है कि एक दिन उसे मर जाना है, अतः जितनी आयु मिली है उसे वो संपूर्णता से जीना चाहता है। उसकी दृष्टि में संपूर्णता का अर्थ है अधिक संपत्ति, अधिक यश, अधिक गौरव। इनकी अधिकता उससे अधिक अहंकारी और ईर्ष्यालु बनाती है। वो स्वयं को सबसे महान व श्रेष्ठ समझता है, यद्यपि वो सबसे तुच्छ होता है। राजा जनक की बंद दृष्टि अष्टावक्र के उपदेशों से खुल जाती है और उनकी तुच्छता तिरोहित हो जाती है। उन्हें भान होता है कि जो जीवन वो जी रहे हैं वो कृत्रिम था, बनावटी था, तथापि जीने की लालसा से वो अधीर रहते हैं। ये जीवित रहने की तीव्र आकांक्षा ही उनका बंधन था, मोह था। अब वो इस बंधन वो मोह से सर्वथा मुक्त थे। अष्टावक्र राजा जनक की इस उक्ति से ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि जीवित रहने की इच्छा से मुक्ति का अर्थ यह है कि मृत्यु की शरण लो। अष्टावक्र जीवन त्याग नहीं चाहते, मृत्यु को तो समय अनुसार सब प्राप्त होंगे। अष्टावक्र की जीवन के प्रति आस्था है। वो मात्र ये चाहते हैं कि जीवन का मोह त्याग कर समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करो, किंतु लालसाओं से संलिप्त होना ही जीवन का निरर्थक करना है। जीवन को निरर्थक करना है। राजा जनक आत्मामय हो गए हैं, अतः स्वयं के विश्व की और आत्मा की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रहे थे। विश्व और वो आत्मा के अनभिज्ञ भाग थे, अतः वो आत्मा के निरपेक्ष हो गए और आत्मा के पदार्थ आत्मा की भांति उनकी सृष्टि के शून्य और निराकार हो गए। उनमें उस प्रकार जीने की इच्छा शेष नहीं रही थी जिस प्रकार देहधर्मी जीते हैं, अतः वो जीने की इच्छा से बंधन मुक्त हो गए। वो अब इच्छा रहित जिएंगे, निस्संग निर्लिप्त और निरपेक्ष। वस्तुत आत्मा की भांति इच्छा रहित निस्संग निर्लिप्त निरपेक्ष होकर जीने में ही जीवन की सार्थकता है। जो स्वयं में आत्मा की उपस्थिति से परिचित हो जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो जानता है कि पंच तत्वों से निर्मित उसका आकार आत्मा का साक्ष्य है, अतः वो साकार रूप को स्वयं का सत्य ना माने। वो उत्पन्न आत्मा ही है, मात्र वही आत्मा से उत्पन्न नहीं। समस्त जड़ चेतन आत्मा के साक्ष्य हैं और समस्त विभिन्न होते हुए भी अब अनभिन्न हैं। जन समूह उसे अनेक जनों का जबघट नहीं प्रतीत होता, अपितु प्रकाश पुंज की भांति एक शिलाखंड सा दृष्टिगोचर होता है। उसे अपनी देह नहीं दिखती, वो देह की प्रतीति से विमुख हो जाता है। उसे स्वयं को जीव मानने की इच्छा नहीं होती, बस लगता है कि चैतन्य स्वरूप हो गया है, वो ब्रह्म है और कुछ नहीं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है कि उसकी जो जीवित रहने की इच्छा थी उसके बंधन से वो मुक्ति पा चुका है। राजा जनक अपनी इस स्थिति को इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, आत्मा की प्रतीति होते ही मेरे सम्मुख सत्य प्रकट हो चुका है कि मैं देह नहीं, आत्मा की देह आत्मा कैसे हो सकती है। ये जो मेरी देह दृष्टिगोचर हो रही है ये मेरी नहीं आत्मा का चेतन रूप है।
मैं जीव नहीं, मेरा जीव मेरी आत्मा का साक्षी है। मैं देह और जीव से मुक्त मात्र आत्मा हूँ। आत्मा की भांति, आत्मा के जैसे निज का प्रकाश मैं स्वयं हूँ। मुझे किसी का आश्रय नहीं चाहिए। आत्मा की भांति निराश्रय होते ही मेरी भ्रांति समाप्त हो गई है। मेरा चित्त शांत है। भ्रांति ही जीवित रहने की इच्छा के बंधन में जकड़ती है। मेरी जीवित रहने की इच्छा का बंधन ही मुझे कामनाओं की मृग मरीचिका में अब तक भटकता रहा। अब ना कामनाएं, ना मैं हूँ, ना मेरा शरीर, ना मेरा शरीर, ना मैं शरीर हूँ, ना जीव हूँ, मात्र चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूँ। चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का अर्थ ही है देह का आत्मान्वित होना, आत्मा का ध्यानवित होना। दोनों एक दूसरे में समा कर एक हो जाते हैं। ऐसी आत्मान्वित ज्ञानी का सृष्टि से एकाकर हो जाता है। उससे सृष्टि होती है, वो सृष्टि से होता है, उसे अपने में विश्व के स्थित होने का आभास होता है। किंतु वो विश्व से समाहित नहीं होता, अतः उसे अपने में विश्व की अनुपस्थिति का भी आभास होता है। उसे किसी में भी द्वैत का आभास नहीं होता। जब सभी आत्मा के अंग है तो स्पष्ट है जब एकात्म है। एकात्म की सत्ता की अनुभूति से राजा जनक की दृष्टि का फलक विस्तृत और वितीर्ण हो जाता है। उनके सम्मुख जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वो अपनी नियति के स्वामी स्वयं हो जाते हैं। वो परमात्मा पर आश्रित नहीं होते, बल्कि स्वयं परमात्मा की सत्ता से एकीकृत होते हैं। इस स्थिति में उनके सारे भ्रम, भ्रांतियों और मिथकों का नाश हो जाता है। उनके चित्त की चंचलता शांत पड़ जाती है। यही वास्तविकता, यही वास्तविक मुक्ति है। यही है यथार्थ मोक्ष। अष्टावक्र का संदेश है कि तुम आत्मा में विलीन हो जाओ, आत्मा को जान लो, आत्मा तुम्हारे में विलीन हो जाएगी। तदुपरांत तुम साकार देह की अनुभूति से मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी देह की भौतिक सुखों की आसक्ति नहीं होगी, उनसे तुम जुड़ नहीं जाओगे। आत्मा में ना अनासक्ति होती है, ना आसक्ति। आत्मावत तुम भी निरपेक्ष और निरंजन हो जाओगे। कोई कामना या कोई दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें आत्मा और परमात्मा की प्रतीति हो चुकी है। तुम मोक्ष की आकांक्षा नहीं करोगे, क्योंकि तुम स्वयं मोक्ष हो। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य का विषय है कि मैं भुवन को कलोलित करने वाला विचित्र समुद्र हूँ, जिसमें चित्त की वायु से अनंक तरंगे उत्पन्न होती है। विवेचना। राजा जनक को प्रतीत होता है कि आत्मज्ञान सिद्ध करने के बाद वो देहभीन हो गए हैं और उन्होंने विश्व की कलोलित करने वाला विचित्र समुद्र का रूप धारण कर लिया है। ये समुद्र क्या है? यह है ब्रह्म चैतन्य समुद्र स्वरूप। ये संपूर्ण विश्व और कुछ नहीं, केवल आत्मा का चैतन्य स्वरूप का विचित्र समुद्र है। इसी से विश्व में कल्लोल व्याप्त है। अर्थात जब देह और आत्मा का एकीकरण हो जाता है, तो उससे ब्रह्म की चेतना के समुद्र का निर्माण होता है, जिससे विश्व में कल्लोल व्याप्त है। अष्टावक्र कहना चाहता है कि विश्व और कुछ नहीं, समुद्र स्वरूप आत्मा व ब्रह्म का कल्लोलित रूप है। ये कल्लोल, ये वैश्विक गतिविधियां आत्मा के समुद्र से बिलग नहीं, उसी का मूत स्फुरन है। अष्टावक्र का परामर्श है कि मूत स्फुरन को भूल जाओ। भुवन का कलोल मिथ्या है। स्मरण रखो कि तुम अमूर्त आत्मा के अंश हो। ये भुवन भी उसी का भाग है। स्वयं में ब्रह्म को आत्मसात करोगे तो तुम्हारे स्वयं के निश्चिम समुद्र होने की प्रतीति होगी। तुम अनुभव करोगे कि तुमसे ही ये भुवन कलोहित है, अर्थात तुमसे ही भुवन है, भुवन से ही तुम हो। तुम्हारा ये भुवन का उच्च आत्मा है, अतः तुम भुवन आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा के अभिच्छिन्न रूप हो, बल्कि आत्मा ही हो। तुम्हारा शरीर अथवा विश्व का कल्लोल उसी आत्मा का चैतन्य और साक्ष्य स्वरूप है। आत्मा होने का बोध तुम्हें अकेला या जन समूह नहीं होने देगा। अकेले होकर भी तुम अकेलेपन का अनुभव नहीं करोगे। तुम्हें स्वयं में, अन्य में, भुवन में आत्मा के दर्शन होंगे। तुम्हें लगेगा सब कुछ आत्मामय है। तुम सब एक हो, एक दूसरे से अलग नहीं। तुम्हारे अंतर्मन में आह्लाद का समुद्र उमड़ पड़ेगा। तुम्हारे अंतर्मन का ये समुद्र और कुछ नहीं, आत्मा का स्फुरन स्वरूप है। तुम्हें आभास होगा कि इसी समुद्र से संपूर्ण भुवन में कल्लोल व्याप्त है। राजा जनक को अष्टावक्र के उपदेश सुनकर ऐसा ही भान होता है। वो कहते हैं, मैं आत्मा हूँ और उसी आत्मा में से आत्मरूपी समुद्रवत हो गया हूँ। अर्थात समुद्र की भांति
वकी न विशाल असीम जिसका कोई और छोर नहीं, मेरे ही आत्मरूपी समुद्र से भुवन का लोहित होता है। भुवन मुझसे पृथक नहीं, वो मेरा ही रूप है, मैं उसी का रूप हूँ, समस्त जीव जगत एक ही रूप है। समुद्र रूपी भुवन में जो अनंत तरंगे नर्तन करती है नाचती है, वे और कुछ नहीं चित्त का वायुपति रूप है। भुवन के समस्त क्रियाकलाप और गतिविधियाँ मेरे चित्त से जुड़ी हैं, मेरा चित्त आत्मा से जुड़ा है, अर्थात मुझ सहित ये भुवन एका ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। समुद्र से तरंग भिन्न नहीं, मुझसे ब्रह्म भिन्न नहीं। राजा जनक के इस कथन से अष्टावक्र ने चित्त की महत्ता पर प्रकाश डाला है। मानव की सारी क्रिया प्रतिक्रिया, इच्छा या अनिच्छाएँ, सरल दुर्बलता, वासना, वैराग्य आदि चित्त में उठने वाले सोच विचारों का प्रतिफल होता है। मानव का जैसा स्वभाव और प्रकृति होगी, चित्त उसे उसी दिशा की ओर पग उठाने को प्रेरित करेगा। आत्मज्ञान के अभाव में मानव देह के आनंद और सुख की कल्पना करेगा तो चित्त उसे भौतिक एकाचन तक सीमित रखता है। वही उसकी दुनिया है जिसमें वो कल्लू के बैल की भांति आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन चलता है। जब क्लांत होकर आंखों से पट्टी उतारता है तो पाता है कि वो तो यहाँ से चला था वहीं खड़ा है, अर्थात जब दुनिया में आया था तो उसकी मुट्ठी खाली थी और जब वो दुनिया से जा रहा है तब भी उसकी मुट्ठी खाली है। वो थका हारा सा खिन्न मना अज्ञान ही अनंत निद्रा में सो जाता है। जिसके विपरीत आत्मज्ञानी इस सत्यानुभूति से परिचित हो जाता है कि उसका शरीर, नाक, कान, चित्त, मस्तिष्क आदि अलग अलग अवयवों का समूह मात्र नहीं है, मैं सर्वांग आत्मा हूँ, मेरे शरीर के अलग अलग अवयव भी आत्मा से भिन्न नहीं, अतः चित्त भी आत्मा होकर निज प्रकार से कलोकित है, वो किसी भी प्रकार की बाह्य चकाचौंध से विचलित नहीं होता। मेरे चित्त से जो प्रत्येक उच्चावास निकलता है उसमें वासनाओं का उद्रेक नहीं होता। चित्त की वायु से अनंत तरंगे विस्तृत होती है जो समुद्र रूपी भुवन को कलोहित करती है। जिस मानव का जैसा स्वभाव और प्रकृति होगी वो भुवन में उसी प्रकार के क्रियाकलाप संपादित करता है। अष्टावक्र का मत है कि चित्त की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की अनिवार्यता असंदिग्ध है। ये चित्त ही है जो मानव को दिग्भ्रमित करता है और सत्यानुभूति का साक्षात्कार नहीं करने देता। असत्य की पगडंडी पर चलता हुआ वो अनंत जनसमूह में अकेलापन की पीड़ा सहने पर विवश हो जाता है। राजा जनक को सत्य का राजपद मिल गया है, उन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि विस्तृत हो गई है और मस्तिष्क विशाल। उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं आत्मा का चैतन्य व साक्षी स्वरूप और छोरहीन विचित्र समुद्र हूँ। मेरे चित्र के वायु झोंके से ही भुवन की क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ संभव है, अर्थात उन्हीं से सागर में निरंतर और अविराम नाना प्रकार के तरंगे का सृजन हो रहा है। मुझसे ये समुद्र रूपी भुवन है और मेरे चित्त की वायु से समुद्र की तरंगे हैं, अर्थात भुवन की गतिविधियां संभव है। मैं भुवन और गतिविधियां ब्रह्मा की चेतना का प्रकटीकरण है। निराकार आत्मा का शाखा साक्षी स्वरूप है, किंतु चैतन्य व उनकी विभिन्नता में अभिन्नता है। राजा जनक कहते हैं, मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ, मेरी चित्त वायु शांत पड़ जाए तो जीव रूपी वाणी के दुर्भाग्य से जगत रूपी नौका का नाश निश्चित है। विवेचना, ये भुवन क्या है? सर्वव्यापी समुद्र है जो चित्त वायु की तरंगे से लहराता है, अर्थात मानव के चित्त के स्वानुसार भुवन के क्रियाकलाप संचालित होते हैं। चित्त वायु की तरंगे का तात्पर्य है चित्त में उठने वाला संकल्प विकल्प। चित्त के संकल्पों विकल्पों से भुवन की विकास यात्रा को विराम नहीं लगता। अष्टावक्र ने राजा जनक के माध्यम से यहाँ पुनः आत्मारूपी समुद्र और चित्तवायु की व्याख्या को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। राजा जनक स्वयं को आत्मारूप से प्रतिष्ठित पाते हैं तो आत्मा परमात्मा की अनुभूति से वो दोष रहित और इच्छा विहीन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भुवन मेरे आत्मरूपी समुद्र का पर्याय है जो चित्तवायु की तरंगों से तरंगित है। चित्तेच्छा से ही भुवन के कार्यकलाप निर्धारित होते हैं। चित्त का जैसा भाव जगत होगा, मानव का वैसा कार्य जगत होगा। जब तक चित्त से इच्छाएं विनिर्गत होंगी, मानव क्रियाकलाप होगा। जब चित्त वायु तरंगे उठेंगी, समुद्र के लहरों पर नौका सहजता से तैर सकेंगी। चित्त वायु से समुद्र तरंगित ना हो तो शांत समुद्र में नौका का डूबना निश्चित है। जीव रूपी वणिक के समस्त सांसारिक कर्म उसके चित्त के संकल्प और निर्णय से चलते हैं, अर्थात अपने नौका रूपी जीवन को चित्त वायु की तरंगों से लहराते समुद्र यानी भुवन में वो भली भांति चला पाता है। यदि चित्त संकल्प विहीन हो जाए,
अर्थात चित्त वायु से तरंगे ही ना उठे तो जीव रूपी वाणी की नौका शांत समुद्र में डूब जाएगी, इसे वो अपना दुर्भाग्य मानता है। यद्यपि इसका वास्तविक कारण होता है चित्त वायु का निस्पंदन। राजा जनक को भान होता है कि चित्त का संकल्प विकल्प की प्रारब्ध का निर्णायक बिंदु होता है। अपने कृत्य से वो अपने जीवन नौका चलाता है और लोभ मोह और माया के अपने ही चक्रव्यूह में घिर जाता है। जब राजा जनक की आत्मा सर्वव्यापी समुद्र का रूप धारणा करती है और शांत चित्त वाला शांत चित्त वायु की प्रतीति में उन्हें परम शांति प्राप्त होती है, तब उन्हें लोभ मोह और माया आकर्षित नहीं करती। वो निर्द्वंद निर्लिप्त और निरपेक्ष हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि जीव रूपी वाणी की चित्त वायु शांत पड़ जाए तो उसके जीवन का नाश असंभव भावी है। अर्थात अष्टावक्र का मत है, जब आत्मज्ञानी में ललुपता का नाश हो जाता है तो उसकी चित्त वायु से लालसाओं की तरंगे नहीं उठती और आत्मरूपी समुद्र धीर गंभीर और मंथर हो जाता है। उसमें आत्मज्ञानी की जीवन नौका बड़ी सहजता से चलती है। उसे जीवन नौका के डूबने का भय नहीं रहता, वो जीवन के मोह से बद्ध नहीं है। शांत चित्त का अर्थ है मोक्ष। राजा जनक का चित्त भी शांत है, वो अनंत समुद्र की भांति चतुर्दिक व्याप्त हो जाते हैं। उनके चित्त वायु की तरंगे शांत है, अतः यानी उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, पहले इच्छाओं की तरंगे उठती थी, वो शांत है। अभी हृदय में कोई चाह नहीं। वो अष्टावक्र से कहते हैं, वे सर्वव्यापी आनंद समुद्र, मैं सर्वव्यापी आनंद समुद्र हूँ। मेरे चित्त वायु की तरंगे शांत है, मेरे अतः मेरे आत्मरूपी समुद्र में कोई हलचल नहीं। हलचल तब होती है जब चित्त वायु में प्रबल आकांक्षा और आवेग होता है। मेरे आवेग निश्चय हो गए हैं, मुझे किसी प्रकार की आकांक्षाओं से मोह नहीं, अतः मेरे चित्त वायु की तरंगों में तीव्र प्रभाव नहीं। मेरी आत्मा से निश्चय समुद्र रूपी भुवन भी प्रशांत है। सर्वत्र आत्मा जैसी शांति व्याप्त है, सर्वत्र आत्मा जैसी शांति व्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान के प्रभाव में जीव रूपी वणिक के चित्त वायु में तरंगित अभिलाषाओं का आवेग शांत पड़ जाए तो समुद्र में उनकी जीवन नौका तैर नहीं सकती, वो अतल गहराइयों में डूब जाएगी। यहाँ अष्टावक्र राजा जनक की उक्ति से दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो ये कि आत्मज्ञानी आत्मा का वर्णन कर शांत हो जाता है और समुद्र के धीर गंभीर पटल पर मंथर गति से जीवन रूपी नौका चलाता है। दूसरा ये कि अज्ञानी के चित्त में आकांक्षाओं का प्रबल वेग होता है और वो उसके झांके से लहराते समुद्र में जीवन रूपी नौका खेता है, किंतु जब चित्त में आकांक्षाओं का वेग शांत पड़ जाता है तो शांत समुद्र में उसकी जीवन रूपी नौका तैर पाने में असमर्थ हो जाती है। इससे ये अर्थ भी ध्वनित होता है कि चित्त में संकल्प विकल्प की धाराओं ना उठे तो विश्व के सभी क्रियाकलाप ठप हो जाते हैं। ये ठप हो जाना आत्मज्ञानी का दुर्भाग्य है। आत्मज्ञानी तो आत्मा में सन्निहित होकर सारे संकल्पों को सिद्ध कर लेता है, अतः उसके चित्त वायु से तरंगे का लोप जाता है और उसकी आत्मा का समुद्र रूपी भुवन शांत पड़ जाता है। ये शांति आत्मज्ञानी की मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मेरे अनंत महासागर रूप में जीव रूपी तरंगे उत्पन्न होती है, शत्रुता मित्रता करती है, खेलती है, तदुपरांत स्वभावतः ही मुझ में विलीन हो जाती है। मुझ में मतलब आत्मा में आत्मा की प्रतीति होती है। राजा जनक को बोध हो जाता है कि वो अनंत महासागर है, आत्मा अनंत महासागर है, उसमें जीव रूपी तरंगों अर्थात सृष्टि का सृजन होता है। जीव निरंतर एक दूसरे से मित्रवत या शत्रुवत व्यवहार करते हैं और खेलते हैं, अंत में समुद्र से निश्चित जीव समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। अष्टावक्र राजा जनक की इस उक्ति से ये तथ्य स्थापित करना चाहते हैं, सब कुछ एक ही आत्मा से सृजित होता है और अंत में सब कुछ उसी आत्मा में विलीन हो जाता है। ये चक्र चिरकाल से निरंतर चलता आ रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार चलता रहेगा, किंतु आत्मज्ञानी इस मर्म का हृदयंगम नहीं कर पाता। वो स्वयं को आत्मा से भिन्न मानता है और चित्त की चंचलता से एक पल भी स्थिर नहीं रह पाता, सदैव सांसारिक क्रियाकलाओं में संलग्न रहता है। आपाधापी और संघर्ष में उसका श्वास फूल जाता है, शरीर क्षतविगत हो जाता है, किंतु वो मरण द्वार तक पहुंचकर भी अहंकार और मोह से आवेष्टित होता है। उसे प्रतीत होता है यही वास्तविक जीवन है, पुनः जीवन मिले या ना मिले, अथवा ना जाने कितने योनियां बाद मानव जीवन मिले, अतः इस जीवन में ही समस्त उपलब्धियों पर अधिकार जमाना ही श्रेष्ठ कर है, समस्त दुखों का उपभोग करना ही एकमात्र ध्येय है।
राजा जनक काष्ठवक्र के सानिध्य में आते ही उन्हें ज्ञान ज्ञात होता है कि सुख और उपलब्धियों में देह मात्र रह जाती है, उसे मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। चाहे जितना तप अथवा साधनाएं करो, उन्हें अष्टावक्र से आत्मज्ञान होने पर सहसा भान होता है कि वे अब तक कैसा मिथ्या जीवन व्यतीत कर रहे थे, कितने मूढ़ थे कि उन्होंने शरीर को ही विशिष्ट और प्रमुख मान लिया, जबकि शरीर का कोई मूल्य नहीं, विश्व का कोई अर्थ नहीं। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। यदि मुक्त होना चाहते हो, बार बार मिट्टी में मिलने से बचना चाहते हो, तो स्वयं में आत्मा के दर्शन कर लो। इस सत्य को हृदयंगम कर लो कि तुम स्वयं आत्मा हो और तुमसे ही ये सत्य निश्चित होकर एक सूत्र में बंधा हुआ है। जीव जगत को भिन्न भिन्न मानना मिथ्या है, सब में एक ही आत्मा है, सब आत्मा स्वरूप है। इस ज्ञान का भान होते ही राजा जनक को लगता है कि वो अनंत समुद्र है। उनकी आत्मा का समुद्र रूपी भुवन उन्हीं के चित्त की तरंगों से तरंगित है। इन तरंगों से ही जीव रूपों का सृजन होता है, किंतु ये जीव रूप इस सत्य से परिचित नहीं हो पाते कि वे आत्मा से उत्पन्न आत्मा रूप ही हैं। वे अपने अस्तित्व को अपना एक अलग स्वरूप मानते हैं, दूसरे से पृथक, दूसरे से भिन्न, दूसरे से श्रेष्ठ, दूसरों से अधिक बौद्धिक और बलशाली। इस पृथकता की भावना से वे एक दूसरे से कभी शत्रुवत लड़ते हैं तो कभी मित्रवत खेलते हैं। शत्रुता मित्रता की भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में क्रूर और अहंकारी हो जाते हैं, ये अहंकार उन्हें आत्मा से विमुख कर देता है। वे स्वयं में आत्मा की उपस्थिति का भान नहीं कर पाते। अष्टावक्र के उपदेश सुनकर राजा जनक इससे भलीभांति परिचित हो जाते हैं कि वो आत्मा होकर परमात्मा के परम पद को पा चुके हैं। उन्हें अपनी देह की निरर्थकता का भान हो गया है। वो मरण के उपरांत मिट्टी में जरूर मिल जाएंगे, किंतु बार बार मिट्टी में मिलने के लिए पुनर्जन्म नहीं धारण करेंगे। आत्मा में विलीन होकर अंतकाल तक अनंत में विद्यमान होंगे। उन्हीं से जीव जगत होगा, वे जीव जगत से पृथक नहीं होंगे। जीव जगत से सतत अविच्छिन्न रहेंगे। उनका कोई अन्य सृष्टा नहीं था, वह स्वयं के सृष्टा थे और उनकी सृष्टि से अन्य का अस्तित्व था। अन्य नहीं थे, उन्हीं से संपृक्त थे। देह की विस्मृति और आत्मा की अनुभूति ने राजा जनक नया बोध दिया कि वही स्वयं के सृष्टा, अधिष्ठा और नियंता है। विश्व का व्यापार यथावत चल रहा है, स्वयं संसार के माया भी मोहपाशों में कोई कमी नहीं आई, किंतु राजा जनक की आत्मा की सृष्टि को आत्मा की विराट सत्ता का साक्षात्कार हो गया। ऐसा तभी संभव हुआ जब उन्हें स्वयं के आत्मा होने का बोध हुआ और परमात्मा की भांति वे स्वयं के नियामक स्वयं बन गए। थर्ड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया।